तो चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से लास्ट टीम में आपका स्वागत है। मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट 22 का गेम प्ले हम खेलने जा रहे और चलिए अब टॉस की तरफ बढ़ते। गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस, जी हां क्रिकेट 22 का गेम प्ले। और ये देखिए दोनों टीम की बैटिंग लाइनअप, टॉस का समय हो चुका है, दोनों कप्तान मैदान में आते हैं। यहाँ पर क्रूशियल डिसीजन होगा यहाँ पर टॉस का, कौन जीतेगा और बल्लेबाजी करने के लिए कौन सी टीम यहाँ पर उतरेगी। तो चलिए टॉस का समय, हार्दिक पांड्या यहाँ पर टॉस करेंगे। मुंबई इंडियंस कॉल टेल, कौन जीतेगा आज का टॉस। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता है और क्या निर्णय लेंगे यहाँ पर रोहित शर्मा। यहाँ पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया कप्तान रोहित शर्मा की तरफ से। तो चलिए अब यहाँ पर दर्शकों से खचाखच भरा मैदान, मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस। मुंबई ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। तो चले इस गेम प्ले को यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर उतरी है गुजरात की टीम, जी हाँ गुजरात की टीम मैदान में उतर चुकी है। और ये लीजिए दोनों ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा एंड ईशान किशन मैदान में उतरते हुए। मोहम्मद शमी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं पहली गेंद का सामना करने के लिए। जी हाँ फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग, हियर वी गो, रोहित शर्मा स्ट्राइक पर है और पहली गेंद मोहम्मद शमी डालेंगे। और ये लीजिए अच्छा शॉट गैप में खेला है और पहली गेंद पर चौका यहां पर जड़ दिया है। जी हां पहली गेंद पर चौके के साथ इनिंग की शुरुआत। जी हां एक मिनट में आवाज चेक करता हूं क्लियर आ रही क्या। चार गेंद एक गेंद चार रन पे शुरुआत की है रोहित शर्मा ने। अगली गेंद इस ओवर की मोहम्मद शमी, शॉर्ट पिच गेंद टॉप एज, गेंद गई विकेट कीपर के ऊपर से और चौका है, छक्का देखना पड़ेगा। जी हाँ जबरदस्त शुरुआत यहां पर मुंबई की होती हुई, टॉप एज। और ये देखिए बल्ले का ऊपरी किनारा, गेंद सीधा विकेट कीपर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार जा चुकी है। जबरदस्त शुरुआत, आठ रन हो चुके, दो गेंदे दो चौके यहां पर मुंबई के इनिंग की शुरुआत जबरदस्त की है रोहित शर्मा। एक और शॉट फील्डर के हाथ में गेंद जाएगी, रन नहीं मिलेगी यहां पर। जी हां शुरुआत बहुत जबरदस्त की है, पिच की बात करें स्टैंडर्ड पिच है, इतना अच्छा उछाल नहीं इस पिच के ऊपर, लेकिन मोहम्मद शमी जो बाउंसर डाला है पिछली गेंद पर उस पर चौका जरूर मिला है रोहित शर्मा के लिए। और रन रेट तो अभी बोर्ड पे दिख रहा है 16, लेकिन चले अभी तो केवल तीन गेंदे हो चुकी है कट करने कोशिश फील्डर के हाथ में गेंद। और देखिए दो फील्डर जो है 30 गज के दायरे के बाहर है यहाँ पर, एक खिलाड़ी फाइन लेग पर रखा है, एक डीप कवर पे खिलाड़ी है कैचिंग पोजीशन में। और लेंथ जो डाल रहे मोहम्मद शमी, ये ऑफ स्टंप की बाहर की लेंथ है। जी हाँ पांचवी गेंद इस ओवर की, रोहित शर्मा चार गेंदे आठ रन दो चौके जड़े, चले संभल कर खेला इस गेंद को। और यहाँ पर देखिए फील्डिंग डीप कवर में खिलाड़ी एक डीप फाइन पर फाइन लेग पर, बाकी सभी खिलाड़ी जो है सर्कल के अंदर और स्लिप कोई यहाँ पे लगा ही नहीं है अभी तक। थर्ड मैन है वो काफ़ी दूर है 30 गज के दायरे के अंदर। आखिरी गेंद इस ओवर की, अच्छी गेंद वाइड का निर्णय मेरे ख्याल से होगा यहाँ पर, ऑफ स्टंप के बहुत भारी गेंद, बिल्कुल सही डिसीजन अंपायर का। यहाँ पर आवाज़ पूरी तरीके से क्लियर आ रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का लाइव स्ट्रीम में आने के लिए, फटाफट वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आखिरी गेंद इस ओवर की, रोहित शर्मा एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का निर्णय देंगे अंपायर अब थोड़ा सा फैन के नीचे। 10 रन हो चुके पांच गेंदों में, आखिरी गेंद इस ओवर की, यहाँ बढ़िया ओवर गई है। आखिरी गेंद ऑन साइड पर बढ़िया फ्लिक किया है और गेंद जा रही स्क्वायर लेग पर, चार रन मिलेंगे रोहित शर्मा के लिए। ओवर की समाप्ति, एक ओवर 14-0 मुंबई इंडियंस। ये देखिए बेहतरीन शॉट यहाँ पर खेला है रोहित शर्मा ने, टॉस जीतकर आज बल्लेबाजी करने का निर्णय है रोहित शर्मा का। ईशान किशन स्ट्राइक पर आ चुके अब और अंसारी जोसेफ दूसरे ओवर लेकर आ चुके यहां पर।
ईशान किशन पहली गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे। मनुपुरी गोस्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, फटाफट कमेंट करना दोस्तों कौन कौन लोग देख रहे। अच्छा शॉट, गेंद जा रहे स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में, और पहली गेंद पर चौका जड़ दिया ईशान किशन ने। बहुत जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर की है, ये देखिए शुरुआत तो जबरदस्त की है यहाँ पर ईशान किशन, पहली गेंद पर चौका। और जो भी लोग देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम को फटाफट कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। 18 रन हो चुके हैं मुंबई के 1.1 ओवर के बाद। दूसरी गेंद ईशान किशन, ये लीजिए एक और अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है स्क्वायर लेग पर, सिंगल यहां पर मिलेगी जी। आप देखिए ये जो साझेदारी है बननी बहुत इंपॉर्टेंट मुंबई के लिए, 50-60 रन की साझेदारी जरूर होनी चाहिए पहले 6 ओवर में, तभी अच्छी स्टार्ट हम कह सकते हैं मुंबई की। रोहित शर्मा अगली गेंद उठा के खेला, इस बार गेंद जा रहे कवर के ऊपर से और 6 रन यहां पर मिलेंगे। पहला छक्का जड़ दिया रोहित शर्मा ने, जबरदस्त शॉट यहां पर खेलते हुए, ये देखिए शॉट देखिए दोस्तों, कमाल का शॉट खेला है। और ऐसी शुरुआत की जरूरत है कल भी मुंबई को, 104 मीटर का छक्का है, पहला छक्का जड़ दिया रोहित शर्मा ने, 25 रन हो गए यहां पर। चौथी गेंद ऑन साइड पर खेला इस गेंद को, फील्डर है स्क्वायर लेग पर, 1 रन मिलेगी और 2 रन आसानी के साथ यहां पर निकाल रहे दोनों ही बल्लेबाज। रन रेट देखिए 16 के ऊपर, और अभी तो यहां पर दूसरी ओवर चल रही है और रन हो गए 27 रन। जी हां 10 गेंदों का खेल अभी तक हुआ है और स्कोर बोर्ड पर रन देखिए 27 रन यहां पर मुंबई के। एक और शॉट, हवा में गेंद और यहां पर भी गेंद को गैप में भेजा है रोहित शर्मा ने, 4 रन मिलेंगे। क्या शुरुआत की है आज, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय रोहित शर्मा का, और धमाकेदार शुरुआत हम कह सकते हैं। ये देखिए एक बार फिर से इकतीस रन पे 0 विकेट है। आखिरी गेंद देखिए 2 ओवर में ही 30 रन के पार स्कोर हो गया मुंबई का। आखिरी गेंद और चले रन नहीं मिलेगी 2 ओवर के बाद, 31 रन बिना किसी नुकसान के मुंबई इंडियंस। दो ओवर 31 रन और मोहम्मद शामी अपने स्पेल की दूसरी ओवर यहां पे लेकर आ चुके हैं सामने ईशान किशन। 2 ओवर में 31 रन, क्या शुरुआत की है आज मुंबई ने, जबरदस्त शुरुआत है। सिंगल यहां पर मिलेगी ईशान किशन के लिए, और जो भी लोग देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो तक आने के लिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है फटाफट कमेंट करना दोस्तों कौन कौन लोग देख रहे हैं आज हमारी इस लाइव स्ट्रीम को, और ज़रा कमेंट में लिखिए कल की मैच कौन जीतेगा, गुजरात या फिर मुंबई। कट किया है और मिसफील्ड, यहां पर 4 रन मिलेंगे, थर्ड मैन का खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन मिसफील्ड हुई है, रोकने की कोशिश जरूर की है। ये देखिए कमाल का कट शॉट खेला है रोहित शर्मा ने, चौका यहां पर मिलता हुआ, छत्तीस रन हो चुके 2.2 ओवर के बाद। अगली गेंद इस ओवर की रोहित शर्मा, 11 गेंदे 28 रन ऑन साइड पर खेला, जरूर फील्डर के हाथ में गेंद जाएगी इस बार। जी हाँ शुरुआत देखिए मुंबई की, 36 रन 2.3 ओवर में, यानी 15 गेंदों का खेल यहाँ पर हो चुका है अभी तक। अक्षय यादव बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी लास्ट में आने के लिए और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5वीं गेंद ले लीजिए एक और शॉट और स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथ में गेंद यहाँ पर गई है। और अगर बात करें बल्लेबाजी के क्रम की तो यहाँ पर रोहित शर्मा है, ईशान किशन, इसके बाद आने वाले बल्लेबाज है तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, कैमरून ग्रीन, टीम डेविड, काफ़ी बड़ी बैटिंग लाइनअप मुंबई की टीम में। और ये शुरुआत देखिए वाइड का निर्णय यहाँ पर अंपायर का, मोहम्मद शामी पिछले ओवर में भी 2 वाइड डाले, यहाँ पर भी 1 वाइड, अभी तक 20 रन दे चुके हैं 1.4 ओवर में, ये साबित हो रहे हैं आज। 5वीं गेंद एक और शॉट कट किया है लेकिन फील्डर के हाथ में गेंद जाएगी और रन रेट देखिए स्कोर बोर्ड पर तो 13 का रन रेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कांति भाई नासिर बहुत बहुत शुक्रिया कांति भाई जी, आज का मैच है जी हाँ लाइव देख रहे हैं आप, क्रिकेट 22 का गेम प्ले मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस, जी हाँ बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। फटाफट कमेंट करना कौन कौन लोग देख रहे हैं अभी,
और ये लीजिए राशिद खान को गेंदबाजी दी गई। अब काफी जल्दी ही गेंदबाज स्पिनर गेंदबाज राशिद खान यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए चौथी ओवर डालेंगे। सामने ईशान किशन है और ये लीजिए ऑन साइड पर इस गेंद को खेला है फील्डर है, वहां पर दो रन की मांग होगी, दो रन मिलेंगे भी। यहाँ दो रन दौड़ के निकाल चुके हैं हार्दिक पांड्या। फील्डिंग बदलाव जरूर कर रहे हैं बीच बीच में, लेकिन क्या शुरुआत की आज मुंबई के दोनों ओपनरों ने। ईशान किशन अगली गेंद और ये लीजिए क्लीन बोल्ड अगली गेंद पर, और ये हम बात कर रहे हैं राशिद खान, बहुत डेंजरस गेंदबाज है। ये लीजिए कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और पहला झटका मुंबई को लग चुका है। ईशान किशन आउट, 8 रन बना के 39 पे एक मुंबई इंडियंस। तिलक वर्मा अगले बल्लेबाज यहां पर आ चुके हैं। जी हाँ तिलक वर्मा, तो राशिद खान ने यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया। जरा वो हाईलाइट देखेंगे, क्लीन बोल्ड देखेंगे। जी हाँ कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश यहां पर की थी। अगली गेंद इस ओवर की, तिलक वर्मा नए बल्लेबाज है, शॉट अच्छा खेला है, गेंद गैप में जा रही है और यहां पर 4 रन मिलेंगे। जी हाँ चौका यहां पर जड़ दिया ईशान किशन की, विकेट जरूर गिरी है लेकिन वो मोमेंटम होना नहीं चाहते तिलक वर्मा। पहली गेंद पर चौका, ये देखिए शॉट थोड़ी सी आगे गेंद की थी राशिद खान ने, और ये बहुत ही डेंजरस गेंदबाज है। और यहाँ पर हम देखेंगे राशिद खान का जो बिग पिच है वो देखेंगे। ये देखिए वो लाल कलर की गेंद दिख रही है जिसके ऊपर विकेट मिली है, थोड़ी सी आगे गेंद डाली थी, कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की। चौथी गेंद इस ओवर की, शॉट अच्छा है, स्वीप शॉट, मिड विकेट पर 1 रन मिलेगी। और राशिद खान को कितना टर्न यहाँ पे मिल रहा है वो भी जरा देखेंगे इस पिच के ऊपर। मैच रूम में जाएंगे और बिग लायंस में राशिद खान, अभी तक जो गेंदे 4 गेंदे डाली, ये देखिए वेरिएशन है गेंदबाजी में, अभी तक इतना टर्न दिखा नहीं है इस पिच के ऊपर। 5वीं गेंद इस ओवर की, लेकिन लेंथ में वेरिएशन कर रहे हैं राशिद खान। 5वीं गेंद इस ओवर की, रोहित शर्मा स्ट्राइक पर, संभल कर खेला इस गेंद को, अच्छी ओवर जा रही है अभी तक, एक विकेट मिला इस ओवर में, 7 रन दे चुके हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, रोहित शर्मा 16 गेंदे 28 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ राशिद खान की आखिरी गेंद और स्लिप के हाथ में गेंद गई है। 4 ओवर 44 पे एक मुंबई इंडियंस, 4 ओवर 44 रन पे एक विकेट। बॉलिंग में परिवर्तन, लोकी फर्ग्यूसन यहां पर गेंदबाजी करने के लिए। 11 का रन रेट है मुंबई का, 4 ओवर 44 रन पे एक विकेट। तिलक वर्मा अगली गेंद का सामना करेंगे, दो गेंदे 5 रन, शॉर्ट पिच गेंद और यहां पर बल्ले के साथ संपर्क जरूर हुआ था, एक टिप्पा खाके गेंद गई विकेट कीपर के पास मेरे ख्याल से। 44 रन पे एक विकेट है, रन रेट देखिए 10 का। लोकी फर्ग्यूसन अपने स्पेल की पहली ओवर यहां पे डाल रहे। तिलक वर्मा एक आक्रामक बल्लेबाज जरूर है, अच्छा शॉट लेकिन उससे बेहतर फील्डिंग वहां पर, यकीनन 4 रन रोक दिए वहां पर फील्डर ने, कमाल की फील्डिंग की है। हाँ और तिलक वर्मा 4 गेंदे 5 रन, मेरे ख्याल से आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे अब, जाने जाते उसी के लिए, अच्छा शॉट और यहां पर 4 रन, मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी पीछे मौजूद नहीं। और ये हम बात कर रहे हैं पावर प्ले में केवल 2 खिलाड़ी जो है 30 गज के दायरे के बाहर। और ये शॉट देखिए बेहतरीन बल्लेबाजी, जी हाँ देखिए 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, एक डीप स्क्वायर लेग पर एक डीप फाइन लेग पर, बाकी सभी सर्कल के अंदर। चौथी गेंद, एक और अच्छा शॉट, गेंद हवा में और यहां पर सीधा फील्डर के हाथ में कैच, दूसरा झटका मुंबई को। तिलक वर्मा यहां पर आउट हो चुके हैं, जी हाँ दूसरा झटका यहां पर, लोकी फर्ग्यूसन विकेट निकालते हैं। ये देखिए पुल शॉट, और ये हम बात कर रहे थे डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद था कैचिंग पोजीशन में और उसी के हाथ में कैच। तिलक वर्मा बनाए 9 रन, 48 पे 2 मुंबई इंडियंस। और अब अगले बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान में आ चुके हैं, 146 का स्ट्राइक रेट इनका, और अब अच्छी साझेदारी बनानी होगी अब
सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा के लिए, रोहित शर्मा को अगली गेंद इस ओवर की। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर है, अच्छा शॉट, ग्रेट टाइमिंग, सिंगल मिलेगी, पीछे खिलाड़ी है। जी हाँ, अगर लोकी फर्ग्यूसन की अब जरा गेंदबाजी की बात करें, जरा गेंदबाजी भी देखेंगे। लोकी फर्ग्यूसन ने जहां पर गेंद जो डाली है, तिलक वर्मा को वो विकेट का जो गेंद था थोड़ी सी, ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद, लाल कलर की टिमटिमाती गेंद दिख रही है। फुल शॉट को न्योता दिया था क्योंकि डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी रखा था वहां पर कैचिंग पोजीशन में, और बिल्कुल पूरी तरीके से फंस गए यहां पर। ये देखिए आसान सा कैच, आखिरी गेंद इस ओवर की। सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर है, नए बल्लेबाज ऑन साइड पर खेलाई गेंद को, बहुत बढ़िया टाइमिंग, सूर्य कुमार यादव चार रन मिलेंगे आखिरी गेंद पर। पांच ओवर 53 पे दो मुंबई इंडियंस, पांच ओवर 53 रन, दो विकेट, और ये शॉट देखिए सूर्य कुमार यादव, बेहतरीन शॉट लाजवाब टाइमिंग है सूर्य कुमार यादव, 53 रन पे दो विकेट पांच ओवर के बाद। राशिद खान अपने स्पेल की दूसरी ओवर, पहली ओवर में विकेट जरूर मिली है राशिद खान को। ओहो, संभल कर खेला है यहाँ पर राशिद खान को, थोड़ा सा संभल कर खेलने की ज़रूरत है क्योंकि ईशान किशन को क्लीन बोल कर दे यहाँ पर पहली ओवर में। रोहित शर्मा इस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे आज राशिद खान के खिलाफ। 5.1 ओवर, अगली गेंद, ओहो ये लीजिए बड़ा शॉट खेला है रोहित शर्मा ने, 6 रन, सीधा दर्शकों में गेंद, राशिद खान को बहुत बड़ा शॉट यहां पर खेलते हुए। दो सौ के ऊपर लोग देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम को, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, फटाफट वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना कौन कौन लोग देख रहे हैं। 120 मीटर का ही छक्का रोहित शर्मा, और ये ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, प्रेशर में राशिद खान, वाइड का निर्णय देंगे अंपायर अब। जी हाँ, एक छक्के के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ राशिद खान के ऊपर, 5.2 और रोहित शर्मा ऑन साइड पर खेला, 1 रन मिलेगी, सिंगल मिलती हुई, सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर आ चुके, 8 रन हो चुके पावर प्ले की आखिरी ओवर यहाँ पे डाल रहे राशिद खान, और रन देखिए रन यहाँ पर 60 रन हो चुके, 10 के ऊपर रन रेट है, सॉरी 61 रन हो चुके हैं। दूसरी गेंद, चौथी गेंद इस ओवर की, सूर्य कुमार यादव एक और शॉट मिड विकेट पर, सिंगल यहाँ पर मिलेगी, छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी यहाँ पर राशिद खान की। चलिए इस ओवर की पांचवी गेंद, रोहित शर्मा 21 गेंदे 36 रन पे बल्लेबाजी कर रहे, एक और शॉट ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, 1 रन यहां पर भी मिलेगी, 16 रन दे चुके राशिद खान अभी तक 1.4 ओवर में, और रन रेट देखिए 10 के ऊपर है। सूर्य कुमार यादव इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे, और रिवर्स स्वीप, 4 रन मिलेंगे सूर्य कुमार यादव को, बेहतरीन शॉट, 6/67 पे दो, और देना आप जी रोहित से 100 रन बनने चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, कोशिश तो जरूर करेंगे, और यहां पर सूर्य कुमार यादव रिवर्स स्वीप से चौका जड़ते हुए। 6 ओवर पावर प्ले की समाप्ति, 5 फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर जा चुके हैं। अब लोकी फर्ग्यूसन अगली गेंद डालेंगे, रोहित शर्मा स्ट्राइक पर है, स्ट्रेट ड्राइव, बहुत बढ़िया टाइमिंग, कमाल का शॉट है, रोकना मुश्किल, 4 रन रोहित शर्मा के लिए। यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश की थी, ये देखिए बेहतरीन शॉट यहां पर खेला है, और मिडॉन और मिडऑफ का फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर और आगे लेंथ कर रहे, समझ में नहीं आ रहा है लोकी फर्ग्यूसन इस तरीके की गेंदबाजी यहां पर कर रहे, फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी। ओ ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से डाली थी, सीधा विकेट कीपर के हाथ में गेंद गई है, 11 के ऊपर रन रेट है मुंबई का, 6 ओवर में 71 रन यहां पर बना दिए रोहित शर्मा ने। ओ एक और बाउंसर,
और जो भी लोग देख रहे हैं भाइयों, फटाफट कमेंट करना, बिल्कुल मत भूलना कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं आज हमारी इस लाइव स्ट्रीम में। वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना, हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की ज़रूर मैं ये यहाँ पर कोशिश करता हूँ। अच्छा शॉट है, फील्डर पीछे, एक रन मिलेगी। सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर, 3 गेंदें 9 रन पे यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार। ओहो, इस बार ये ओवर अच्छी जा रही है। लोकी फर्ग्यूसन आउटस्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या तालियां जरूर यहाँ पर बजाते हुए, जानते हैं इम्पोर्टेंट मैच है मुंबई बनाम गुजरात का। और शुरुआत देखिए मुंबई की, और हवा में गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, लेकिन कैच ड्रॉप, सूर्य कुमार यादव का कैच ड्रॉप है। जी हाँ, जीवन दान यहां पर मिला है, 7 ओवर 72 पे 2 और ओवर की समाप्ति। सूर्य कुमार यादव का कैच यहां पे ड्रॉप हो चुका है, क्या रिप्ले में दिखेगा हमें। वरुण एरॉन गेंदबाज में परिवर्तन, यहाँ क्या वो हाईलाइट में दिखेगा कैच ड्रॉप, नहीं दिखेगा। सब लाइक कर दो ब्रो सर के लिए, दिनार जी बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक बहुत कम लोग करते हैं दोस्तों। अभी देखो 154 लोग देख रहे हैं, लेकिन 100 लाइक्स भी नहीं होंगे अगली गेंद इस ओवर की। शॉट ऑन साइड पर, गैप में खेला इस बार रोहित शर्मा, 2 रन की मांग होगी। यहाँ 44 रन बना दिए रोहित शर्मा ने। दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था। अगली गेंद रोहित शर्मा सामने, ओ एक और सटीक यॉर्कर यहाँ पे, और रन नहीं मिलेगी यहाँ पर। 2 गेंदें 2 यॉर्कर यहाँ पे डाली गई है, 2 विकेट जरूर गिरे मुंबई के, लेकिन ये साझेदारी बन रही है अच्छी तरीके से। रोहित शर्मा अगली गेंद का यहाँ पर सामना करेंगे, और जोर से बल्ला घुमाया जरूर, लेकिन यहाँ पर सीधा विकेट कीपर के हाथ में गेंद गई है। 74 रन 2 विकेट 7.3 ओवर के बाद चौथी गेंद, 44 रन पे बल्लेबाजी करे रोहित शर्मा, 29 गेंदों का सामना किया अभी तक। ऑफ साइड पर गेंद, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिलेगी यहाँ पे। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर की रोहित शर्मा ने, और अब सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर है। अच्छा शॉट, एक और शॉट, सिंगल मिलेगी। एक एक दो दो रन निकालते जा रहे दोनों बल्लेबाज, और बिल्कुल सही रणनीति यहाँ पर। अभी तक जो शॉट खेले सूर्य कुमार यादव तो नीचे से खेल रहे, 6 गेंदें 10 रन और 30 गेंदें 45 रन पे बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा। इस ओवर की आखिरी गेंद, शॉट सीधा शॉट है, और मिड ऑफ के ऊपर से 1 बाउंस चौका मिलेगा रोहित शर्मा को। 8 ओवर 80 पे 2 मुंबई इंडियंस, 8 ओवर के बाद 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये शॉट देखिए यहाँ आगे लेंथ, रोहित शर्मा जबरदस्त शॉट खेल रहे आज। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी में परिवर्तन, अब हार्दिक पांड्या खुद कप्तान यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। 8 ओवर 80 पे 2 सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर है, अगली गेंद का सामना करेंगे। ओ बाउंसर के साथ इस ओवर की शुरुआत, और सूर्य कुमार यादव को बिल्कुल चकमा देने की कोशिश की है हार्दिक पांडे ने, जानते हैं आक्रामक बल्लेबाज है सूर्य कुमार यादव। 7 गेंदें 10 रन पे बल्लेबाजी कर रहे। ओहो बहुत बढ़िया टाइमिंग है, 4 रन मिलेंगे सूर्य कुमार यादव को, बिल्कुल गैप में खेला है। कवर ड्राइव देखिए, जरा फुटवर्क देखिए सूर्य कुमार यादव का, ये देखिए ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर ये गेंद। ओहो ये बढ़िया शॉट है, बिल्कुल गैप में, पॉइंट और कवर के बीच में, 4 रन यहाँ पर मिल चुके हैं। 84 रन पे 2 विकेट, तीसरी गेंद सूर्य कुमार यादव, 8 गेंदें 14 रन पे बल्लेबाजी कर रहे। एक और शॉट, फील्डर है वहाँ पर और रोक लिया, जी नहीं 4 रन यहाँ पर, दूसरी बाउंड्री यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की।
एक और शॉट, सिंगल मिलेगी। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर आ चुके हैं, अब एक रन दूर है अपने अर्धशतक से। और जो भी लोग देख रहे हैं दोस्तों लाइव स्ट्रीम को, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का इस वीडियो तक आने के लिए। वीडियो को लाइक करना फटाफट से, और नए लोग जो भी आ रहे हैं वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। रोहित शर्मा एक रन दूर अपने अर्धशतक से, शॉट अच्छा है लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर, पॉइंट का खिलाड़ी मौजूद और फील्डिंग जबरदस्त की है। जी हाँ, एक रन दूर है रोहित शर्मा, 32 गेंदे 49 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, आखिरी गेंद इस ओवर की। चलिए एक और शॉट, यहां पर भी गेंद गैप में गई है और रोक लिया, इस गेंद को दो रन मिलेंगे। ओवर की समाप्ति 9 ओवर के बाद 91 पे 2, रोहित शर्मा के 50 रन पूरे, लाजवाब पारी। 33 गेंदे 7 चौके 2 छक्के की मदद से 51 रन, और ये कुछ बेहतरीन शॉट आज रोहित शर्मा के बल्ले से। ये देखिए वैगन व्हील, देखिए 33 गेंदे 51 रन पे यहां पर बल्लेबाजी कर रहे, 9 और 91 पे 2। सूर्य कुमार यादव अगली गेंद का सामना करेंगे। वरुण एरॉन गेंदबाजी कर रहे और स्टंप के बिल्कुल सामने ऑन साइड पर खेला, इस गेंद को सिंगल मिलेगी सूर्य कुमार यादव को। रोहित शर्मा 51 रन 7 दे रहे इनका सूर्य कुमार यादव, और एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई मुंबई की टीम। यहाँ पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय रोहित शर्मा का, और जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे खुद कप्तान यहाँ पर। शॉट पुल शॉट, एक रन सिंगल यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद जो बल्लेबाज है कैमरून ग्रीन आएंगे, और टीम डेविड 2 बल्लेबाज है जिन्हें तिलक वर्मा आउट हो चुके हैं। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव अगली गेंद, और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश यहाँ पर, लेकिन बीट हो गए सूर्य कुमार। शॉर्ट पिच गेंद डाली थी, स्टंप के थोड़ा सा आगे जरूर खड़े होकर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर सूर्य कुमार। अगली गेंद इस ओवर की, ओहो एक और शॉट खेलने की कोशिश, इस बार भी बीट हो गए और गलत शॉट खेले सिंह, मेरे ख्याल से ऑफ साइड के ऊपर से खेलने की कोशिश की इन्होंने, गेंद जो थी वो ऑन साइड की तरफ जा रही थी। अगली गेंद इस ओवर की, सीधा शॉट, इस बार बिल्कुल सही संपर्क है और बहुत दूर गई है गेंद, इतनी दूर स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में गेंद पहुंची है सूर्य कुमार यादव, सूरज को छूती हुई गेंद। पिछले 2-3 गेंदों से कोशिश कर रहे थे बड़े शॉट लगाने की, लेकिन इस बार संपर्क सही है। तो जरा वो है रिप्ले देखेंगे आखिरी शॉट का, ये देखिए बिल्कुल खड़े रहे, कदमों का इस्तेमाल किया और बहुत दूर गेंद। निन्यानवे रन हो चुके हैं, सूर्य कुमार यादव इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे, और ये हवा में गेंद फील्डर स्क्वायर लेग पर, उसके हाथ में कैच और सूर्य कुमार यादव आउट हो चुके हैं। जी हाँ, तीसरी विकेट मुंबई की जाती हुई यहां पर, सूर्य कुमार यादव एक और शॉट खेलने की कोशिश की, ये देखिए उनका फेवरेट फ्लिक, लेकिन इस बार संपर्क सही नहीं है, स्क्वायर लेग के हाथ में कैच और जाना पड़ेगा वापस सूर्य कुमार यादव को। बनाए 26 रन 99 पे 3 मुंबई इंडियंस। कैमरून ग्रीन अगले बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं, 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट है इनका। जी हाँ, कैमरून ग्रीन, और जरा वो विकेट देखेंगे आखिरी वाली, सूर्य कुमार यादव का जो कैच पकड़ा है। दस ओवर 99 रन, कैमरून ग्रीन स्ट्राइक पर आ चुके हैं,
शॉट, बहुत बढ़िया टाइमिंग, चार रन, पहली गेंद पर चौका जड़ दे कैमरन ग्रीन ने, जबरदस्त शॉट यहां पर खेलते हुए कैमरन ग्रीन। वो रनों का मोमेंटम है वो कम नहीं करेंगे जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्य कुमार यादव। 20 रन यहां पर बना के चले गए, लेकिन जो मोमेंटम है वो धीमा नहीं होने देंगे। ऑन साइड पर खेला जरूर, सिंगल यहां पर मिलेगी कैमरन ग्रीन को। कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर, इसके बाद बल्लेबाजी टीम डेविड, वो भी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। और रोहित शर्मा अभी तक पहुंच गए 52 रन पर 34 गेंदों का सामना किया रोहित शर्मा ने। यह अच्छा शॉट है, लेकिन बेहतर फील्डिंग वहां पर, कमाल की फील्डिंग की है। जी हां, 3 विकेट मुंबई के गिर चुके। हार्दिक पांडे अपने स्पेल की दूसरी ओवर यहां पर डालते हुए, सीधा शॉट, 1 रन मिलेगी, फील्डर है पीछे। 105 रन हो चुके और इस ओवर के बाद 9 ओवर का खेल बाकी है, कितने रन बना पाएगी यहाँ पर मुंबई की टीम। इसके बाद टीम डेविड बल्लेबाज, उसके बाद ऋतिक शौकीन भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। कैमरन ग्रीन, 5वीं गेंद इस ओवर की, एक और शॉट ऑन साइड पर, गेंद जा रहे मिड विकेट पर और ये रोक ले गेंद को, बढ़िया फील्डिंग, 2 रन मिलेंगे। बिल्कुल गैप में खेला था यहाँ पर कैमरन ग्रीन ने, 2 रन यहां पर मिल चुके हैं। लेकिन मैदान देखिए, बाउंड्री 70 मीटर की बाउंड्री इस मैदान की। आखिरी गेंद कैमरन ग्रीन, 3 गेंदे 7 रन पे यहां पर बल्लेबाजी कर रहे, और अच्छा बाउंसर ओवर की समाप्ति 11 के बाद 107/3 मुंबई इंडियंस। जी हाँ, 11 ओवर 107 रन पे 3 विकेट, और रोहित शर्मा अगली गेंद का सामना करेंगे वरुण एरॉन। पिछले ओवर में विकेट जरूर मिले सूर्य कुमार यादव की, और बाउंसर यहां पर डाला गया है। रोहित शर्मा 37 गेंदे 53 रन पे बल्लेबाजी कर रहे, सीधा शॉट और ये बहुत खराब टाइमिंग, एक और विकेट, रोहित शर्मा आउट यहां पर। एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और सेट बल्लेबाज पवेलियन वापस जाएंगे। ये देखिए, कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की है, और गुरप्रीत सिंह के हाथ में कैच, जाएंगे वापस रोहित शर्मा, बनाए 53 रन 107/4 मुंबई इंडियंस। टीम डेविड अगले बल्लेबाज, अब ये जोड़ी टिकनी चाहिए आखिर तक। अब कैमरन ग्रीन एंड टीम डेविड, इसके बाद कोई बड़ा बल्लेबाज नहीं है। कैमरन ग्रीन अगली गेंद का सामना करेंगे, सीधा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर है वहां पर, रोकेगा और रोक लिया इस गेंद को, 1 रन मिलेगी। कैमरन ग्रीन एंड टीम डेविड अब बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, लेकिन यहां पर मुंबई के लिए संकट मोचक का काम करते हुए टीम डेविड अगली गेंद का सामना करेंगे। एक और शॉट और ये रोक लिया इस फील्डर ने, वरुण एरॉन 2 विकेट यहां पे निकाले, सूर्य कुमार यादव की विकेट, उसके बाद रोहित शर्मा की विकेट, कुमार की गेंदबाजी कर रहे टीम डेविड अगली गेंद इस ओवर की। एक और शॉट, लेकिन फील्डर के हाथ में थोड़ा सा दबाव जरूर अब बढ़ जाएगा मुंबई के ऊपर, लेकिन इसके बाद 8 ओवर बचते हैं। 8 ओवर में कितने, राशिद खान के 2 ओवर बाकी है। राशिद खान ने भी 1 विकेट आज निकाली, ईशान किशन की आखिरी गेंद इस ओवर की। टीम डेविड ओ ये लीजिए फुल टॉस गेंद, 6 रन मिलेंगे टीम डेविड को। ओवर की समाप्ति 12 ओवर 114/4 मुंबई इंडियंस। जी हाँ, ये देखिए शॉट, देखिए पावरफुल शॉट यहां पर खेला है टीम डेविड, छक्का जड़ते हुए। हार्दिक पांड्या अपने स्पेल की तीसरी ओवर डाल रहे, कैमरन ग्रीन स्ट्राइक पर है। जी हाँ, फील्डिंग जिस तरीके से लगाई यहां पर, अच्छा शॉट खेला, 1 रन मिलेगी।
थर्ड मैन अंदर, फाइन लेग अंदर और सामने फील्डर रखे पांच, तो रणनीति बिल्कुल स्पष्ट लग रही है आगे गेंद डालने वाले है। जिस तरीके की फील्डिंग यहाँ पे सजाई है ऐसा लग रहा है ये जो गेंद है आगे डालेंगे। टीम डेविड अगली गेंद का सामना करेंगे, पिछले ओवर में छक्का जरूर जड़ा है। एक और शॉट और यहाँ पर भी दूसरा छक्का, टीम डेविड जबरदस्त शॉट खेल रहे, यॉर्कर डालने की कोशिश हार्दिक पांडे की। ये देखिए 12 रन बना दिए टीम डेविड ने चार गेंदों में, और यही खासियत है इस बल्लेबाज की, बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करते। और बाउंसर छोड़ दिया पीछे यहां पर टीम डेविड ने, एक सौ बाईस रन पे चार विकेट है। रन रेट की बात करें 9.89 यानी 10 के करीब रन रेट है मुंबई का। टीम डेविड एक और कवर ड्राइव, ओ हो ये तो बढ़िया टाइमिंग है, चार रन मिलेंगे। टीम डेविड लगता है पेवेलियन से सेट होके आ चुका है। ये देखिए बेहतरीन रेड कवर ड्राइव ये टीम डेविड का। सचिन पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी लास्ट में आने के लिए। और कौन कौन देख रहे हैं भाई हमारी, फटाफट कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओहो संभल कर खेला है इस गेंद को टीम डेविड ने। और कैमरून ग्रीन, और अभी तक जो अगर विकेटों के ऊपर हम बात करें, विकेटों के ऊपर नज़र डालते हैं, अभी तक जो विकेट गिरे हैं मुंबई के, तिलक वर्मा कैच आउट हो गए थे। ये देखिए पुल करने की कोशिश और डीप स्क्वायर लेग पर हाथ में कैच। उसके बाद सूर्य कुमार यादव का एक कैच स्क्वायर लेग पर ही आउट हो गए थे। और उसके बाद ये आखिरी वाली विकेट रोहित शर्मा की, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर की रोहित शर्मा ने, लेकिन मिड ऑफ के हाथ में कैच दे बैठे। और गेंदबाजी की बात करें यहाँ पर बिग पिच ज़रा देखें कहाँ कहाँ पे विकेट, ये देखिए लाल टीम टिमाती गेंदें चार दिख रही है, यानी चार विकेट यहाँ पे जा चुके हैं। दो गेंदें तो शॉर्ट पिच ही थी, एक जो आगे वाली गेंद है उसके ऊपर क्लीन बोल्ड हो गए ईशान किशन, और एक गुड लेंथ गेंद जिसके ऊपर सूर्य कुमार यादव आउट हो चुके हैं। 12.45 पांचवी गेंद इस ओवर की। चलिए अगली गेंद टीम डेविड, छह गेंदें 16 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और शॉट लेकिन यहां पर फील्डर के हाथ में गेंद जाएगी। राशिद खान दो ओवर बाकी है मेरे ख्याल से, राशिद खान की तालियां जरूर यहां पे बजाते हुए। आखिरी गेंद इस ओवर की 126 पे चार है मुंबई इंडियंस। तेरा ओवर चल रही है टीम डेविड एक और शॉट कवर ड्राइव पीछे खिलाड़ी है, एक रन मिलेगी। ओवर की समाप्ति 13 ओवर 127 पे चार मुंबई इंडियंस। वरुण एरॉन अगली ओवर डालेंगे, अपने स्पेल की आखिरी ओवर लेकर आ चुके टीम डेविड ऑन स्ट्राइक है। फुल शॉट गेंद जा रही है स्क्वायर लेग पर, एक रन मिलेगी। जी हाँ यहाँ पे ये जोड़ी जो है आखिरी ओवर तक टिकनी चाहिए, अगर यहाँ पे विकेट गिरी तो मुश्किलें फंस सकती है मुंबई की टीम। कैमरून ग्रीन अगली गेंद का सामना करेंगे, छह गेंदे 9 रन अभी तक बना चुके कैमरून ग्रीन। गेंदबाजी तो अच्छी हो रही है, सात गेंदे 9 रन कैमरून ग्रीन, और यहां पर सीधा शॉट मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन कैमरून ग्रीन को, जबरदस्त शॉट यहां पर खेला है। ये देखिए बिल्कुल करारा शॉट यहां पर खेलते हुए कैमरून ग्रीन। और फील्डिंग देखिए ऑन साइड पर चार फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर, क्या शॉर्ट पिच गेंद आएगी जी नहीं, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से स्विंग करने की कोशिश जरूर यहां पर की है। और 200 के ऊपर लोग देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम को, दोस्तों फटाफट कमेंट करना कौन कौन लोग देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम को।
कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, और नए लोग जो भी आ रहे हैं वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, फटाफट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ में कमेंट करना। सचिन पाटिल जी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी लास्ट में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरन ग्रीन अगली गेंद का सामना यहाँ पर करने वाले। ओहो, एक और बढ़िया शॉट, गेंद जा रहे मिड विकेट पर 6 रनों के लिए। दूसरा छक्का इस ओवर में कैमरन ग्रीन के बल्ले से निकलता हुआ। ये देखिए एक बार फिर से शॉट देखिए, जी हाँ बहुत बढ़िया शॉट है ये कैमरन ग्रीन। ऑलराउंडर है मुंबई इंडियंस के, लेकिन जो बल्लेबाजी करते कमाल की बल्लेबाजी करते। ये देखिए शॉट, पिंटू यादव बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू यादव जी लास्ट में आने के लिए और कमेंट करने के लिए। आखिरी गेंद कैमरन ग्रीन 10 गेंदे 21 रन पर पहुंच चुके। शॉट 1 रन मिलेगी, ओवर की समाप्ति 14 ओवर 141 पे 4 मुंबई इंडियंस। जी हाँ ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। अल्जारी जोसेफ गेंदबाज में परिवर्तन, एक ओवर में 17 रन दिए थे, बहुत उनकी धुलाई हुई थी पावर प्ले में जो धुलाई की थी रोहित शर्मा ने, लेकिन यहां पर अब कैमरन ग्रीन सामने कट किया है और ये फील्डर के हाथ में गेंद। लंबे चौड़े कद के बल्लेबाज है कैमरन ग्रीन, 12 गेंदे 22 रन पे बल्लेबाजी कर रहे, 141 रन पे 4 विकेट है। एक और शॉट पुल खेला है, गेंद जा रही है फाइन लेग पर, केवल 1 रन मिलेगी। टीम डेविड ने मना किया, दूसरी रन निकालने की कोशिश जरूर की थी, और अब टीम डेविड स्ट्राइक पर। टीम डेविड ने भी 9 गेंदे 18 रन बना चुके अभी तक, 142 रन पे 4 विकेट। सीधा शॉट स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर है नीचे, 1 रन ही मिलेगी। एक सौ 143 रन पे 4 विकेट, 3 गेंदे हो चुके इस ओवर की, और अभी तक तो अच्छी ओवर गई है कैमरन ग्रीन। ओहो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बीट हो गई इस बार, कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, और अल्जारी जोसेफ बीट करते हुए यहाँ पर कैमरन ग्रीन को। शॉट हवा में गेंद और ये सीधा फील्डर के हाथ में, कैमरन ग्रीन यहां पर आउट हो चुके, बड़ी विकेट हाथ में लगी है गुजरात टाइटंस के। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश, संपर्क बिल्कुल अच्छा नहीं था, और कवर के हाथ में कैच, बहुत बढ़िया कैच वहां पर लिया गया है। कैमरन ग्रीन बनाए 23 रन, 143 पे 5 मुंबई इंडियंस। निहाल वाडेरा अगले बल्लेबाज, यहां निहाल वाडेरा बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन स्ट्राइक पर चले। यहां पर सिंगल मिल चुके 14-15 ओवर के बाद, 144 पे 5 मुंबई इंडियंस। स्ट्राइक पर रहेंगे निहाल वाडेरा, लुकी फर्ग्यूसन 2 ओवर में 14 रन दिए थे, एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए 15 ओवर 144 रन पे 5 विकेट निहाल वाडेरा। अगली गेंद और ये शॉट खेला है हवा में गेंद, अरे रन नहीं निकाली यहाँ पर यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश यहाँ पर की थी, बल्ला जोर से घुमाया जरूर था, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में गेंद। निहाल वाडेरा अगली गेंद का सामना करेंगे। एक और शॉट सीधा स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर है नीचे, 1 ही रन मिलेगी। टीम डेविड स्ट्राइक पर है, अब एकमात्र बल्लेबाज बचे यहाँ पर जो बड़े शॉट खेल सकते हैं, उनका नाम है टीम डेविड। कैमरन ग्रीन पेवेलियन वापस, और बिश्नोई रूपाराम जागू खारा सचोर बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट में आने के लिए। टीम डेविड यहाँ पर अगली गेंद का सामना करेंगे। एक और शॉट सीधा शॉट खेला, यहाँ पर भी 1 रन मिलेगी।
गति के साथ परिवर्तन जरूर कर रहे हैं। 5 विकेट गिरे 146 रन पर, और कहां तक स्कोर को ले जाएंगे। हार्दिक पांड्या फील्ड में बदलाव कर रहे हैं, चाहते निहाल वाडेरा भी बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते। 3 गेंदे तो रन, अगली गेंद लोकी फर्ग्यूसन की। ओहो बहुत बढ़िया गेंद, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश जरूर की है। निहाल वाडेरा 4 गेंदे 2 रन अभी तक बना चुके हैं। बड़े शॉट की, एक और अच्छा बाउंसर, दूसरी बार बीट हो गए। कुमार की गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर में, लोकी फर्ग्यूसन की भी दाद देनी होगी आखिरी गेंद इस ओवर की। निहाल वाडेरा 5 गेंदे, थोड़ा सा दबाव जरूर कि जब डॉट बॉल आता है। हवा में गेंद और ये जबरदस्त शॉट है निहाल वाडेरा, बहुत दूर गेंद गई है, 6 रन मिलेंगे। कदमों का इस्तेमाल किया आखिरी गेंद पर, पिछले 2-3 गेंदों से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार संपर्क सही है। शॉट देखिए, आखिरी गेंद पर चक्का जरूर जड़ा है और ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई। 16 ओवर 152 पे 5, टीम डेविड स्ट्राइक पर है। टीम डेविड आखिरी ओवर तक जाएंगे। ये लीजिए यॉर्कर गेंद, पल्ला जरूर घुमा यहां पर लेकिन बीट हो गए यहां पर टीम डेविड। मानव बहुत बहुत धन्यवाद, मानव जी लास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, बहुत शॉट, अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर है। 2 रन की मांग होगी यहां पर, 2 रन की मांग, और ये रिस्की रन है जी नहीं, गलत एंड पर थ्रो किया मेरे ख्याल से। और 300 के ऊपर लोग देख रहे हैं लास्ट स्ट्रीम को, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का इस वीडियो तक आने के लिए। वीडियो को फटाफट लाइक कर दे दोस्तों, 100 लाइक तो पूरे कर दो। और नए लोग जो भी आ रहे, कंटेंट अच्छा लगे, लेकिन यहां पर कट किया है 4 रन थर्ड मैन पर, थर्ड मैन पे चौका जड़ दिया है जोसेफ को। ये देखिए टीम डेविड जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पे कर रहे हैं। ये जरूरत है मुंबई इंडियंस को यहां पर, 14 गेंदे 26 रन तक पहुंच गए टीम डेविड। अगली गेंद इस ओवर की, 158 रन पे 5 विकेट, एक और शॉट, हवा में गेंद और ये छक्का। यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश, फुल टॉस दे दिया टीम डेविड को, और ये देखिए शॉट, जी हां टीम डेविड छोड़ेंगे नहीं इसी गेंद को। ₹164 रन पे 5 हो गए। अब अगली गेंद टीम डेविड, और यहां पर कवर के ऊपर से एक और छक्का, कदमों का इस्तेमाल यहां पर किया गया था, और टीम डेविड क्या बल्लेबाजी कर रही है देखिए, कवर के ऊपर से जबरदस्त शॉट। और बातचीत कर रहे हार्दिक पांड्या जोसेफ के साथ, करनी भी पड़ी क्योंकि धुलाई यहां पर हो चुकी है। टीम डेविड ने धुलाई की इनकी, जरा आखिरी जो छक्का जड़ा है उसका रिप्ले देखेंगे। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल, बहुत बार आ गए थे क्रिस से, और ये देखिए क्या शॉट खेला ये टीम डेविड ने, और उसके पहले का ये छक्का देखिए, और ये जो छक्का था वो फुल टॉस गेंद थी, और बिल्कुल बढ़िया शॉट यहाँ पर। टीम डेविड अच्छे फॉर्म में है, और ज़रा वैगन व्हील की बात करें, ज़रा टीम डेविड का वैगन व्हील भी देखेंगे। बिग व्हील टीम डेविड, उसकी इस गेंद के बाद 16 गेंदे 38 रन तक पहुंच गए। एक और अच्छा शॉट, 1 रन यहां पर मिलेगी ओवर की समाप्ति। 17 ओवर 171 पे 5 मुंबई इंडियंस, 17 ओवर 171 पे 5 ओवर की समाप्ति। और मोहम्मद शामी को गेंदबाजी के लिए लाए गए, राशिद खान के 2 ओवर बचे मेरे ख्याल से। ये देखिए टीम डेविड का वैगन व्हील, 4 छक्के जड़े हैं, 17 गेंदे 39 रन, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। और यहां पर तो गेंदबाज में परिवर्तन, राशिद खान 2 ओवर में 21 रन 1 विकेट यहां पर निकाल चुके थे।
18वें ओवर लेकर आ चुके राशिद खान, सामने टीम डेविड है और किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे। स्वीप शॉट, सिंगल यहां पर मिलेगी जी हाँ। 172 रन पे 5 विकेट, 17.1 ओवर। राशिद खान अपने स्पेल की दूसरी ओवर यहां पे डालते हुए, सामने निहाल वाडेरा है जी हाँ। दूसरी गेंद इस ओवर की, निहाल वाडेरा 6 गेंदे 8 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर की और शॉट जरूर खेला, 1 रन मिलेगी। अब देखिए राशिद खान यहाँ पर 18 ओवर लेकर आ चुके हैं, क्या 20 ओवर भी डालेंगे। बॉलिंग ऑप्शन तो काफ़ी है गुजरात टाइटंस के पास, लेकिन एक विकेट निकाल कर भी महंगे साबित ज़रूर हुए आज राशिद खान। तीसरी गेंद, टीम डेविड सामना करेंगे यहाँ पर राशिद खान का, और ये लीजिए कदमों का इस्तेमाल, चौका यहाँ पर कवर के ऊपर से, टीम डेविड को रोकना मुश्किल है। और फटाफट कमेंट करना दोस्तों, कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं इस लाइव स्ट्रीम में। और ये देखिए टीम डेविड कदमों का इस्तेमाल करके राशिद खान को चौका जड़ते हुए, 17.3 ओवर। चौथी गेंद इस ओवर की, 44 रन तक पहुंच गए टीम डेविड। और ये लीजिए बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में और 2 रन यहाँ पर मिलेंगे। 2 रन आसानी के साथ यहाँ पर निकाल चुके हैं जी हाँ। राशिद खान इस ओवर में 8 रन दे चुके 4 गेंदों में। पांचवी गेंद, ओ ये बहुत बढ़िया शॉट, गेंद जा रहे मिड विकेट पर, एक और चौका टीम डेविड का, 50 रन यहां पर पूरे किए। जबरदस्त बल्लेबाजी है और 21 गेंदों में 50 रन की पारी है टीम डेविड की, 4 चौके 4 छक्के जड़े हैं। बेहतरीन प्रदर्शन आज करते हुए, जरा आखिरी वाली जो बाउंड्री है उसका रिप्ले देखेंगे। ये देखिए स्वीप शॉट, आखिरी गेंद इस ओवर की, एक और शॉट ऑन साइड पर, सिंगल मिलेगी, ओवर की समाप्ति। 18 के बाद 184 पे 5 मुंबई इंडियंस। आखिर के 2 ओवर बचे, टीम डेविड क्या धमाकेदार पारी खेलेंगे यहां से। और ये कुछ शॉट देखिए टीम डेविड के इनिंग के, लाजवाब पारी खेली आज। 21 गेंदों में 50 रन की पारी, 22 गेंदों में 51 रन, 4 छक्के जड़े अपनी इनिंग में और 4 चौके। मोहम्मद शामी 2 ओवर में 20 रन, एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आ चुके सामने टीम डेविड। 22 गेंदे 51 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 ओवर 184 पे 5 मुंबई। ओ अच्छी गेंद यहां पर, मोहम्मद शामी क्या विकेट निकालेंगे अब। मोहम्मद शामी क्या विकेट निकालेंगे यहां पर। फील्डिंग देखिए, थर्ड मैन फाइनल लेग अंदर है, सामने 5 फील्डर, अच्छा शॉट स्क्वायर लेके ऊपर से और टीम डेविड का ये चौका है, रोकना मुश्किल है आज टीम डेविड को, बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। अट्ठारह दशमलव 2 ओवर, अगली गेंद इस ओवर की, टीम डेविड 24 गेंदे 55 रन, और ये लीजिए एक और शॉट स्क्वायर लेग पे चौका, जबरदस्त शॉट खेल रहे, क्या शॉट खेला है भाई टीम डेविड। मोहम्मद शामी की भी धुलाई कर रहे हैं अब, और स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी पीछे रखा ही नहीं है, सर्कल के अंदर है और उसी दिशा में मार रहे, पहुंच गए 59 रन पर, 192 रन हो चुके हैं मुंबई के। चौथी गेंद इस ओवर की, एक और शॉट उसी दिशा में, वही नतीजा है, तीसरी बाउंड्री, तीसरी बाउंड्री, मोहम्मद शामी निराश हो चुके हैं यहां पर अब। ये देखिए इस शॉट की कोई तुलना नहीं की जा सकती, फ्लिक शॉट बहुत बढ़िया खेलते हुए टीम डेविड। 18.4 ओवर, 5वीं गेंद इस ओवर की, 3 बैक टू बैक चौके इस ओवर में आ चुके, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, हवा में जरूर है लेकिन फील्डर पीछे, 1 रन, सिंगल यहां पर मिलेगी।
197 रन पे 5 विकेट। निहाल वाडेरा स्ट्राइक पर। आखिरी गेंद निहाल वाडेरा 7 गेंदों में 9 रन पे बल्लेबाजी कर रहे। एक और अच्छा शॉट, सिंगल मिलेगी। ओवर की समाप्ति 19 ओवर 198 पे 5। जी नहीं, दूसरी की मांग यहां पर की है, लेकिन एक ही रन मिलेगी। 19 ओवर 198 पे 5 मुंबई इंडियंस। मुंबई की इनिंग की आखिरी ओवर, सामने राशिद खान है आखिरी ओवर लेकर आते हुए। निहाल वाडेरा इनका सामना करेंगे। और ये लीजिए शॉट, गहराई मिड विकेट पर, फील्डर है वहां पर, लेकिन 4 रन यहां पर मिल चुके हैं। तो चले इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ, राशिद खान को चौका जड़ते हुए, और 200 रन पूरे कर दिए यहां पर मुंबई ने। जी हां, 200 रन यहां पर पूरे कर चुके निहाल वाडेरा। 9 गेंदे 14 रन पे यहां पर बल्लेबाजी कर रहे। अगली गेंद इस ओवर की, राशिद खान क्या विकेट निकालेंगे इस ओवर में, मुझे तो नहीं लग रहा। और जो भी लोग देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम को बहुत बहुत धन्यवाद। 400 लोग देख रहे हैं दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और नए लोग जो भी आ रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना। 293 हो चुके, 7 सब्सक्राइबर की आवश्यकता, 300 हो जाएंगे। और ये लीजिए शॉट, क्या खेला है भाई निहाल वाडेरा, थर्ड मैन के ऊपर से 4 रन यहाँ पर। जी हाँ, 33,293 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 33,300 के लिए 7 सब्सक्राइबर की आवश्यकता। और जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ये शॉट देखिए, तीन गेंदे बची इस ओवर की। निहाल वाडेरा 11 गेंदे 20 रन। ये लीजिए कदमों का इस्तेमाल और राशिद खान की धुलाई यहां पर कर दी है। क्या शॉट खेला ये, जबरदस्त शॉट खेलते हुए। ये देखिए निहाल वाडेरा जबरदस्त शॉट खेलते हुए। 19.4 पांचवी गेंद इस ओवर की, 112 मीटर का छक्का। प्रदीप कौर झारखंड से देख रहे हैं, प्रदीप कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी लास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी भाई देख रहे हैं फटाफट कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे बिल्कुल कमेंट सेक्शन ओपन है, हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की जरूर मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ। और इस ओवर की आखिरी गेंद, टीम डेविड, ओ ये बहुत बढ़िया शॉट है, लेकिन फील्डर पीछे, मिलेगी सिंगल। और मुंबई की इनिंग की समाप्ति, 216 रन और 217 रन का लक्ष्य। जी हाँ, 217 रन का लक्ष्य यहां पर दिया है मुंबई ने, बहुत बड़ी इनिंग। और ये कुछ शॉट जरूर है, लेकिन हम चलेंगे सीधा स्कोर कार्ड की तरफ, जहां पर देखेंगे किसने कितने रन बनाए। रोहित शर्मा 53 रन, 8 रन, ईशान किशन, तिलक वर्मा 9, 26 रन, सूर्य कुमार यादव, कैमरून ग्रीन तेज, टीम डेविड की धमाकेदार पारी आज 28 गेंदों में 65 रन। और निहाल वाडेरा 13 गेंदों में 27 रन यहां पर बना दिए। और 216 रन 217 रन का लक्ष्य अब गुजरात टाइटंस के लिए दिया है। शुभमन गिल एंड रिद्धिमान सहा यहां पर ओपनिंग करेंगे। और जोफ्रा आर्चर पहली ओवर लेकर आ चुके यहां पर 158 विकेट। इस तरीके की गेंदबाजी होगी यहां पर, 216 रन का लक्ष्य दिया है, क्या पूरे करेंगे। अगली गेंद इस ओवर की, कवर ड्राइव, फील्डर के हाथ में गेंद जाएगी इस बार। और अब देखिए यहाँ पर अगर इतना बड़ा स्कोर चेस करना है तो बड़ी साझेदारी करनी पड़ेगी शुभमन गिल एंड रिद्धिमान साह को, तभी चांस है ना। बहुत मुश्किल है इतना बड़ा स्कोर इस पिच के ऊपर चेस करना, 217 रन बनाने हैं। शुभमन गिल अगली गेंद का सामना पर करेंगे, और बल्ले का भारी किनारा, गेंद थर्ड मैन पर, 4 रन मिलेंगे। अगर स्लिप यहां पर होती तो शायद विकेट का चांस बन सकता था, या अगर यहां पर स्लिप होती। लक्ष्मी गिमरे बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी लास्ट में आने के लिए। और नेपाल से देख रहे हैं लक्ष्मी जी, और
फिरोज आलम, मैच कब स्टार्ट होगा? मैच कल शाम 7:30 बजे, रियल मैच। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट 22 का गेम प्ले, जहाँ पर गुजरात टाइटंस को 217 रन बनाने हैं। और ये अच्छा शॉट, 4 रन, शुभमन गिल बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर खेला है। जी हाँ, जो भी लोग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं क्रिकेट 22 का गेम प्ले और रियल मैच कल है, कल शाम 7:30 बजे गुजरात बनाम मुंबई इंडियंस। 8 रन हो चुके, 0 विकेट, 2 चौके इस ओवर में आ चुके हैं। अगली गेंद इस ओवर की, और शॉट ऑन साइड पर, सिंगल यहां पर। चलिए 5 गेंदें, 9 रन, अगली गेंद, रिद्धिमान साह यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे रिद्धिमान साह। ओहो, अच्छी गेंद, 1 ओवर 9 रन बिना किसी नुकसान के गुजरात टाइटंस। जेसन बैनड्रॉप अगली ओवर लेकर आ चुके हैं यहां पर। जी हां, कमेंट करना भाइयों, कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं हमारे इस लाइव स्ट्रीम में। क्रिकेट 22 का गेम प्ले आप देख रहे हैं, जेसन बैनड्रॉप। चलिए सिंगल यहां पर मिलेगी, शुभमन गिल और रिद्धिमान साह। कितने रन की साझेदारी बनाएंगे यहाँ पर आज? अगर इतना बड़ा लक्ष्य चेस करना है तो बड़ी साझेदारी बनानी होगी। एक और अच्छा शॉट है, लेकिन गेंदबाजी जबरदस्त कर रहे हैं यहाँ पर अब मुंबई के बल्लेबाज। 2 रन की मांग होगी यहाँ पर, 2 रन पूरे भी करेंगे। बारह रन 1.2 ओवर के बाद तीसरी गेंद, रिद्धिमान साह 2 गेंदे 2 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक कोई बाउंड्री नहीं जड़ी है, लेकिन ये अच्छा शॉट है, फील्डर के हाथ में गेंद जाएगी। यहाँ अभी तक कोई बाउंड्री नहीं है, और अब देखिए 217 रन का लक्ष्य है। मेरे ख्याल से अगर रिक्वायर रन रेट की बात करें तो हर ओवर में 11 रन चाहिए रिक्वायर रन रेट। और यहाँ पर LBW का जोरदार अपील, अंपायर का निर्णय, विकेट यहाँ पर जा चुकी है। जी हाँ, पहला झटका लगता हुआ गुजरात टाइटंस को, और यहाँ पर मेरे ख्याल से रिव्यू के लिए जाएंगे। जी हाँ, पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ, चर्चा जरूर कर रहे रिद्धिमान साह, और यहाँ पर रिव्यू लेते हुए। नो बॉल की कोई संभावना नहीं है, जैसन बैनड्रॉप जबरदस्त गेंदबाजी मुंबई इंडियंस के। और ये देखिए गेंद जो लगी है वो शायद बल्ले के साथ कोई संपर्क है नहीं, और क्या ये गेंद लेग स्टंप को मिस करेगी? क्या ये गेंद, इजी टू फन गेमिंग, क्या गए जोरो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए, और मेरे ख्याल से लेग स्टंप को तो नहीं मिस कर रही ये गेंद, रिव्यू जरूर लिया है। और अगर लेग स्टंप को मिस करेगी तो शायद बचेंगे यहाँ पर, लेकिन बचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। प्लीज रोलिंग रोलिंग रोलिंग, यहाँ बॉल ट्रैकिंग, पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन एंड हिटिंग विकेट, अंपायर कॉल, कीप योर ओरिजिनल डिसीजन अंपायर जी, और यहाँ पर आउट है। रिव्यू लिया लेकिन कोई फायदा नहीं, अंपायर कॉल, विकेट मिलेगी और जाना पड़ेगा वापस रिद्धिमान साह को। जी हाँ, रिद्धिमान साह बनाए 2 रन, 12-1 गुजरात टाइटंस। गुरप्रीत सिंह मान यहाँ पर अगले बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं, लेकिन जरा वो गेंद देखेंगे एक बार फिर से। तो LBW करार दिया गया, लेग स्टंप पिचिंग इन लाइन थी, उसके बाद उछाल जरूर है इस पिच के ऊपर, लेकिन ये देखिए बेल्स को टच करती हुई गेंद, और अंपायर्स कॉल था इसलिए ये आउट करार दिए गए। अगर नॉट आउट करार दिए जाते अंपायर की तरफ से और मुंबई इंडियंस रिव्यू लेते तो भी नॉट आउट करार दिए जाते। अगली गेंद, 5वीं गेंद इस ओवर की, गुरप्रीत सिंह मान, पहला झटका लगा है और रन रेट देखिए, चौदह रन 1 विकेट 1.5 ओवर में। आखिरी गेंद इस ओवर की,
और जो भी भाई देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम को फटाफट कमेंट करना, कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं आज। कमेंट सेक्शन पूरी तरीके से ओपन है, हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर है वो सब्सक्राइब मोड रखते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं कोई भी कमेंट कर सकता है, चाहे वो सब्सक्राइब हो चाहे जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो। 15-1, दो ओवर के बाद अगली गेंद, जोफ्रा आर्चर, सामने गुरप्रीत सिंह मान है। और ये देखिए अब, ओ क्या बाउंसर डाला यार, जबरदस्त ये गेंद। और मुश्किल में फंसने वाली अब गुजरात की टीम, अगर पावर प्ले में 60 के ऊपर रन नहीं बने तो। दूसरी गेंद, ओ एक और बढ़िया गेंद, कमाल की गेंदबाजी हो रही है, पूरी तरीके से बीट हो गए यहाँ पर गुरप्रीत सिंह मान। 4 गेंदे 3 रन पे बल्लेबाजी कर रहे। तीसरी गेंद इस ओवर की, ओ ये लीजिए ये शॉट अच्छा है, यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन, ऐसे शॉट को रोकना मुश्किल है। और ये देखिए एक शॉट लगाया जरूर, लेकिन क्या बोल रहे जी। और नए लोग जो भी देख रहे हैं भाइयों, फटाफट आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट सब्सक्राइब करते रहिए। चौथी गेंद इस ओवर की, गुरप्रीत सिंह मान अगली गेंद का सामना करेंगे, एक और अच्छा शॉट है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग पर, और 4 रन यहां पर मिलेंगे, बाउंड्री की तलाश गुजरात टाइटंस को। जी हाँ ये शॉट जरा देखिए, शॉर्ट पिच गेंद थी और ये बेहतरीन शॉट है। दो सौ 17 रन का लक्ष्य क्या चेस करेगी यहां पर गुजरात की टीम। पांचवी गेंद इस ओवर की, गुरप्रीत सिंह मान, और ये सीधा शॉट है, बिल्कुल गैप में खेला है, यहां पर भी 4 रन नहीं मिलेंगे, 2 रन मिलेंगे। जी हाँ 2 रन यहां पर मिलते हुए, 25-1। और फील्डिंग देखिए, फील्डिंग की बात करें, फाइन लेग पर एक खिलाड़ी, एक डीप थर्ड मैन पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, जोफ्रा आर्चर कट किया जरूर, सिंगल यहां पर मिलेगी, ओवर की समाप्ति। 3 ओवर 26-1 गुजरात टाइटंस, 3 ओवर 26-1। अगली गेंद इस ओवर की, जेसन बैंड्रॉप, ये गेंदबाजी जबरदस्त कर रहा है गेंदबाज, एक ओवर में 6 रन 1 विकेट निकाले जेसन बैंड्रॉप ने, उनकी गेंदबाजी मारनी इतनी आसान नहीं है मेरे ख्याल से। और देखिए जेसन बैंड्रॉप 1.1 ओवर केवल 7 रन 1 विकेट निकालिए, वृद्धिमान शाह को LBW आउट कर दिया। शॉट अच्छा है, गेंद गैप में जा रही है, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, 2 रन की मांग होगी, 2 रन पूरे भी करेंगे आसानी के साथ, बड़े साझेदारी की बहुत ही आवश्यकता है गुजरात को अगर मैच जीतना है, इतना विशाल लक्ष्य। 217 रन और टीम डेविड की पारी 200 के पार ले गई आज मुंबई इंडियंस को। और ये लीजिए अच्छी गेंद, जेसन बैंड्रॉप गति में परिवर्तन कर रहे हैं अब, 29-1 3.3 ओवर के बाद। इस ओवर की चौथी गेंद, सिंगल यहां पर मिलेगी। और अगर जेसन बैंड्रॉप की गेंदबाजी की बात करें, जरा बैंड्रॉप की गेंदबाजी के ऊपर भी नजर डालेंगे, कहां कहां पे जो पिचिंग की है गेंद वो भी देखेंगे। ये देखिए वो जो लाल गेंद दिख रही है ना टिमटिमाती, जिसके ऊपर विकेट मिली है, LBW आउट हो गए, रिद्धिमान सा वेरिएशन है उनकी गेंदबाजी में। 3.4 पांचवी गेंद, शॉट अच्छा है फील्डर के हाथ में। और देखिए यहाँ पे चौथी ओवर अगर रिक्वायर रन रेट की बात करें, 11 रन प्रति ओवर चाहिए, तो 4 ओवर में कम से कम 40 के ऊपर तो रन चाहिए गुजरात टाइटंस को, लेकिन यहाँ पर तो 30 रन हो चुके। आखिरी गेंद इस ओवर की, गुरप्रीत सिंह मान, एक और शॉट फील्डर के हाथ में, 4 ओवर 30-1।
चार ओवर 30 रन पे एक विकेट। आकाश मरिवाल यहां पर गेंदबाजी करने के लिए 15 विकेट निकाल चुके हैं अभी तक। जी हां, आकाश मरिवाल अपने स्पेल की पहली ओवर डालेंगे। शुभमन गिल स्ट्राइक पर है, कवर ड्राइव गैप में जरूर खेला है लेकिन यहां पर मिलेगी केवल सिंगल। सब कुछ डिपेंड है शुभमन गिल के ऊपर, गुजरात टाइटंस के ओपनर है। अभी तक तो संभल कर पारी खेल रहे, 10 गेंदे 14 रन और गुरकृत सिंह मान 11 गेंदे 15 रन पे बल्लेबाजी करते हुए। ओ क्लीन बोल्ड यहां पर, जबरदस्त गेंद यहां पर मडवाल की, और ये देखिए क्या गेंद डाली है। ऑन साइड पर खेलने की कोशिश जरूर की और बहुत बड़ी विकेट। जी हाँ, गुरकृत सिंह मान बनाए 15 रन 31 पे 2 गुजरात टाइटंस। डेविड मिलर यहां पर अगले बल्लेबाज, लेकिन जरा वो एक्शन रिप्ले देखिए आखिरी विकेट का, क्लीन बोल्ड कर दिया आकाश मडवाल ने। और ये देखिए अंदर की तरफ गेंद स्विंग हुई और पूरी तरीके से बीट हो गए, यहां पर बॉल ट्रैकिंग देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल इस चैनल के ऊपर सब कुछ रियल मैच की तरह दिखाने की कोशिश। पिचिंग इन लाइन और जी हाँ, स्विंग देखिए बार की तरफ स्विंग, और स्विंग से चकमा खा गए बल्लेबाज यहां पर और ऑफ स्टंप को हिट करते हुए। आकाश मडवाल दूसरी गेंद पर विकेट निकाल चुके हैं। डेविड मिलर नए बल्लेबाज है स्ट्राइक पर। अब इस ओवर की तीसरी गेंद और यहां पर स्लिप के हाथ में कैच जाने की संभावना थी लेकिन थोड़ी सी आगे गिर, रोहित शर्मा मौजूद है स्लिप पर। 31 रन पे 2 विकेट 4.3 ओवर चौथी गेंद। डेविड मिलर अगली गेंद का सामना करेंगे, शॉट अच्छा है हवा में, गेंद 4 रन पॉइंट और कवर के बीच में। आकाश मडवाल डेविड मिलर चौका यहां पर जड़ दिया है, 35 रन गुजरात टाइटंस के। पांचवी गेंद इस ओवर की, ओहो ये तो बहुत बड़ा शॉट है, यहां पर मिलेंगे 6 रन। डेविड मिलर जाने जाते बड़े शॉट खेलने के लिए और आते ही 2 गेंदों में 10 रन, क्या शुरुआत की अपनी इनिंग की डेविड मिलर। ये देखिए शॉट देखिए, बेहतरीन बल्लेबाज है और अगर ये टिके अगले 10 ओवर तक तो मैच का रुख पलट सकते हैं। 106 मीटर का ये छक्का डेविड मिलर, 3 गेंदे 10 रन बना चुके हैं। पांचवी गेंद इस ओवर की, आखिरी गेंद कट किया है और रन नहीं मिलेगी। 5 ओवर 41 पे 2 गुजरात टाइटंस। पीयूष चावला गेंदबाजी में परिवर्तन, स्पिनर को गेंदबाजी दी गई है, 26 का एवरेज है। और वसीम पटेल बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जी लास्ट में आने के लिए। 5 ओवर 41 पे 2 अगली गेंद, शॉट खेलने की कोशिश। शुभमन गिल यहां पर बल्लेबाजी कर रहे। जी हां, और 217 रन का लक्ष्य अगर चेस करना है यहां पर गुजरात की टीम को तो बड़े शॉट यहां पर आने चाहिए। शुभमन गिल 11 गेंदे 14 रन पे यहां पर बल्लेबाजी कर रहे। पीयूष चावला अगली गेंद डालेंगे, यहां पर एक और अच्छा शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद जरूर है। शुभमन गिल अगली गेंद का सामना करेंगे, 12 गेंदे 14 रन पे यहां पर बल्लेबाजी कर रहे। शॉट और ये लीजिए यहां पर एक शॉट खेला शुभमन गिल, 6 रन। मिथिलेश यादव मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शॉट देखे शुभमन गिल, एकमात्र बल्लेबाज है जो मैच का रुख पलट सकते, 102 मीटर का छक्का यहां पर। पीयूष चावला को बड़े शॉट खेल रहे, एक और शॉट कवर के ऊपर से और वन बाउंस चौका यहां पर मिलेगा। जी हाँ, शॉट देखिए कमाल का शॉट यहां पर, 2 गेंदे 10 रन इस ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से। और इसी शॉट की जरूरत है, पावर प्ले की आखिरी ओवर का सामना कर रहे शुभमन गिल, 51 रन यहां पर हो चुके। शॉट कवर ड्राइव एक और चौका यहां पर, 5.5 ओवर 55 रन पे 2 विकेट
और शुभमन गिल बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर इस ओवर में तो की है। और इनका साथ दे रहे डेविड मिलर द्वारा शॉट, देखिए ऑफ स्टंप की हल्की सी बाहर ये गेंद, और ये तो आसान सा शॉट है। तो पावर प्ले है, 30 गज के दायरे के अंदर सभी खिलाड़ी, केवल दो खिलाड़ी बाहर। आखिरी गेंद इस ओवर की, सिंगल मिलेगी, जी नहीं दो की मांग की है, दो रन तो मिलेंगे ही, 6 ओवर 57 पे 2। पावर प्ले की समाप्ति है, 5 फील्डर जाएंगे, 16 गेंदे 30 रन। शुभमन गिल, जी हाँ शुभमन गिल यहाँ पे 16 गेंदे 30 रन पे बल्लेबाजी कर रहे। पावर प्ले खत्म, 6 ओवर 57 रन पे 2 विकेट। डेविड मिलर अगली गेंद का सामना करेंगे, आकाश मड़ीवाल 1 ओवर में 11 रन दिए थे और 1 विकेट निकाली, जरा उस विकेट के ऊपर भी नजर डालेंगे। हाईलाइट में एक क्लीन बोल्ड यहाँ पर कर दिया था गुरप्रीत सिंह मान को आकाश मड़ीवाल ने। सत्तावन रन 2 विकेट, शुभमन गिल 16 गेंदे 30 रन, डेविड मिलर 5 गेंदे 10 रन पे बल्लेबाजी कर रहे। अगली गेंद शॉर्ट पिच और ये 4 रन मिलेंगे, वाइड और 4 एक्स्ट्रा, यानी 5 रन यहां पर मिलेंगे, 217 रन का लक्ष्य यहां पर गुजरात के लिए। और शुभमन गिल एंड डेविड मिलर यहां पर बल्लेबाजी कर रहे, कोशिश तो जरूर कर रहे कि एक बड़ी साझेदारी बने। डेविड मिलर भी आक्रामक है, 1 छक्का 1 चौका जड़ा है अभी तक। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद ये, आकाश मड़ीवाल काफ़ी इंप्रेसिव गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। पहली ओवर में विकेट, क्या इस ओवर में भी एक और विकेट निकालेंगे। एक और अच्छी गेंद, डेविड मिलर को चकमा देने की कोशिश, और 400 के करीब लोग देख रहे हैं दोस्तों लाइव स्ट्रीम का, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो तक आने के लिए। फटाफट वीडियो को लाइक करना, 100 लाइक तो होने चाहिए दोस्तों, आज 100 लाइक का टारगेट है। और नए लोग जो भी देख रहे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में कमेंट करना कौन कौन लोग देख रहा है। कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की जरूर मैं कोशिश करता हूँ। आप देख रहे लाइव क्रिकेट 22 का गेम प्ले, मिथिलेश यादव देख रहे मध्य प्रदेश से। और इस ओवर की 5वीं गेंद, शुभमन गिल ऑन साइड पर खेला जरूर, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद जाएगी। और अब देखिए यहाँ पर अगर ये साझेदारी बनती है और 50 रन जोड़ देते हैं ये दोनों बल्लेबाज, तो बहुत आसान काम हो सकता है गुजरात के लिए। हालांकि अगर रिक्वायर रन रेट की बात करें तो 12 के करीब रिक्वायर रन रेट जा चुका है, 217 रन का लक्ष्य, इतना आसान काम नहीं है। पहले ओवर की समाप्ति, 7 ओवर 63 पे 2 गुजरात टाइटंस। और कैमरन ग्रीन को यहां पर गेंदबाजी करने के लिए, जी हाँ ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया आज कैमरन ग्रीन ने, और अब गेंदबाजी करेंगे। सामने डेविड मिलर है, अच्छा शॉट है डेविड मिलर, सिंगल यहां पर मिलेगी। और दुर्जन कोरम मुंबई विनर, जी हाँ बिल्कुल, अभी तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि लक्ष्य बहुत दूर है। 7 ओवर में 64 रन हो गए, 77 गेंदों में 153 रन, तो मुझे तो नहीं लगता बनेंगे, 2 रन की मांग होगी। यहां पर की है कैमरन ग्रीन, क्या विकेट निकालेंगे यहां पर। अब 2 गेंदे 3 रन, शुभमन गिल 20 गेंदे 32 रन पे बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल। शॉट अच्छा है, हॉम अगेन पीछे खिलाड़ी, केवल 1 ही रन मिलेगी। छत्तीसगढ़ कोंडगांव जिला से देख रहे दुर्जन कोरम जी और मुगल धाम मुलधारी जी, हिमांशु जी देख रहे गुजरात से, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी गुजरात से देख रहे। और यहां पर बल्ले का अंदरूनी किनारा, रन आउट नहीं मिलेगा,
केवल मिलेगी सिंगल। डेविड मिलर 8 गेंदे 12 रन, बड़े शॉट खेलने की यहाँ पर कोशिश करनी होगी अब गुजरात के बल्लेबाजों को। शुभमन गिल इस ओवर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे। 21 गेंदे 33 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्ले का अंदरूनी किनारा और यहाँ पर 1 रन मिलेगी। आखिरी गेंद इस ओवर की, कैमरून ग्रीन इस ओवर में 5 रन 6 रन दे चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, अच्छा शॉट है, 1 रन मिलेगी। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर 70 पे 2। जी 8 ओवर 70 रन पे 2 विकेट है। पीयूष चावला एक बार फिर से 1 ओवर में 16 रन दिए थे और डेविड मिलर स्ट्राइक पर है। जी हाँ, डेविड मिलर सामना करेंगे पीयूष चावला का। शॉट और ये लीजिए पहली गेंद, फील्डर कुछ नहीं कर सकता, 6 रन स्क्वायर लेग के ऊपर से। और दयाशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद, दयाशंकर जुड़ रहे हमारे इस लास्ट में, बहुत बहुत शुक्रिया। डेविड मिलर चक्का जड़ते हैं पहली गेंद पर, पीयूष चावला के ऊपर अटैक करने की कोशिश यहां पर हो रही है। अगली गेंद इस ओवर की, डेविड मिलर, ओ ये लीजिए फाइन लेग पर शॉट खेला है, एक और शॉट, 6 रन, 50 रन की साझेदारी यहां पर पूरी होती हुई शुभमन गिल एंड डेविड मिलर के बीच में। 2 गेंदे 2 छक्के इस ओवर में डेविड मिलर ने जड़ दिए। तीसरी गेंद इस ओवर की, एक और शॉट, बहुत तेज जा रही गेंद, रोक ले इस गेंद को, 1 रन मिलेगी। और जो भी भाई देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम को, फटाफट कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है अगर वीडियो अच्छा लगे तो। जो भी नए लोग देख रहे सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओहो, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश यहाँ पर शुभमन गिल, लेकिन बीट हो गए इस बार। 8.4 ओवर शुभमन गिल 23 गेंदे 34 रन पे बल्लेबाजी कर रहे। ओहो, एक और शॉट, बीट हो गई यहाँ पर पीयूष चावला, अच्छी वापसी यहाँ पर करते हुए 2 छक्के खाने के बाद। आखिरी गेंद इस ओवर की, शुभमन गिल 24 गेंदे 34 रन पे यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे। शॉट, ओ ये बहुत बाहर थी ऑफ स्टंप के, एक और छक्का। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर 89 पे 2 गुजरात टाइटन्स। और बलदेव सिंह जी देख रहे पंजाब से, बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव जी लास्ट में आने के लिए और कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत बड़ा शॉट, 6 रन पीयूष चावला की ओर, बहुत महंगी गई है। ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई, दयाशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। 9 ओवर के बाद 89 पे 2 डेविड मिलर अगली गेंद का सामना करेंगे। 13 गेंदे 27 रन, एक और शॉट, फाइन लेग पर खिलाड़ी है तो पीयूष चावला की यहां पर धुलाई की है। 3 छक्के पिछले ओवर में जरूर जड़े, लेकिन कैमरून ग्रीन अच्छी गेंदबाजी कर रहे। 1.1 ओवर 7 रन, 65 गेंदे 128 रनों की आवश्यकता है। डेविड मिलर ऑन स्ट्राइक और शॉट जरूर खेला है, फील्डर के हाथ में गेंद जाएगी। जी हाँ, 50 रन के ऊपर की साझेदारी हो चुकी है यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में। डेविड मिलर 15 गेंदे 27 रन, शुभमन गिल 25 गेंदे, चाओ ये जबरदस्त गेंद है, बाल बाल बच गए यहाँ पर। कैमरून ग्रीन जो गेंदबाजी करते हैं, उछाल है लंबे कट के बल्ले। भाई मैंने सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुलधारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग देख रहे हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, नए लोग खासकर, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए फटाफट से। और दिलीप डोहाळे जी, दिलीप जी म्हणजे आमचा मराठी माणूस, कुठून बोलता है फटाफट कमेंट मध्ये लिया, कोणत्या जिल्ह्यातून। 5वीं गेंद इस ओवर की, एक और शॉट, सिंगल मिलेगी यहां पर। कल कौन जीतेगा, कल मेरे ख्याल से मुंबई जीतेगा ऐसा लग रहा है मुझे कि मुंबई जीत सकती है कल की मैच, क्योंकि सभी खिलाड़ी फॉर्म में आ चुके हैं, गेंदबाजी भी। अब इस ओवर में 1 ही रन दिए कैमरून ग्रीन ने, और एक और अच्छी ओवर कैमरून ग्रीन की, 10 ओवर 91 रन पे 2 विकेट।
बहुत बढ़िया ओवर, टाइटी ओवर डाली है कैमरन ग्रीन ने। आकाश मरीवाल दो ओवर में 17 रन, एक विकेट निकाले थे। एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए 60 गेंदे, 126 रन बनाना मुश्किल है। शुभमन गिल 26 गेंद में 41 रन। साठ गेंदों में 126 रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। 400 के ऊपर लोग देख रहे हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। डेविड मिलर ऑन स्ट्राइक, शॉट हवा में गेंद और यहां पर मिड ऑफ के ऊपर से वन बाउंस चौका डेविड मिलर। मुंबई ठाणे से देख रहे दिलीप डुआड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डेविड मिलर ने यहाँ पर चौका जड़ दिया, बिल्कुल आसान सा ये शॉट है। जी हाँ, केवल वो मिडॉन का फील्डर उसके ऊपर से खेलने में बिल्कुल सफल रहे। 32 रन बना दिए डेविड मिलर ने अभी तक, 58 गेंदे, 121 रन की आवश्यकता है। शॉट दो रन की मांग यहाँ पर नहीं करेंगे, एक ही रन मिलेगी। 58 गेंदों में 121 रन, बहुत लक्ष्य दूर है। बड़े शॉट खेलने के अलावा कोई रास्ता है नहीं गुजरात के पास। शुभमन गिल अगली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर। ओ ये लीजिए कदमों का इस्तेमाल, लेकिन नो मैन्स लैंड में गेंद गिरेगी। एक ही रन यहाँ पर मिल चुकी है। दयाशंकर आज कौन जीतेगा, मुंबई जीतेगा मेरे ख्याल से। नो बॉल का इशारा यहाँ पर, फ्री हिट मिलेगी। फ्री हिट का सामना करेंगे डेविड मिलर अब। जी हाँ, फ्री हिट का सामना डेविड मिलर यहां पर करते हुए। और पूरी तरीके से बीट हो गए, अच्छी गेंद यहां पे डाले, 99 रन पे 2 विकेट। और डेविड मिलर पूरी तरीके से बीट हो गए यहां पर। 56 गेंदे, 118 रन चाहिए। पांचवी गेंद इस ओवर की, और ये लीजिए यहां पर विकेट जा चुकी है, डेविड मिलर आउट। बल्ले का अंदरूनी किनारा और एक आक्रामक बल्लेबाज यहां पर आउट होता है और विकेट कीपर के हाथ में गेंद गई है। जरा एक बार फिर से रिप्ले में देखेंगे। जी हां, बल्ले का अंदरूनी किनारा, पैड पे गेंद और कमाल का कैच है ईशान किशन ने पकड़ा है और जाएंगे वापस। डेविड मिलर बनाए 33 रन, 99 पे 3 गुजरात टाइटंस। हार्दिक पांडे अगले बल्लेबाज, लेकिन हम देखेंगे वो रिप्ले। दिलीप दोहाड़े भाई सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने आज चैनल को सब्सक्राइब किया दिल से थैंक यू उनके लिए। और ये लीजिए बल्ले का किनारा, फिर थाई पे गेंद लगी, फिर विकेट कीपर के हाथ में गई है। ये देखिए आवाज जरूर आई थी, दो बार आवाज आई है, एक बल्ले के साथ एक जो है थाई के साथ। 55 गेंदे, 118 रन। हार्दिक पांड्या खुद कप्तान, क्या बड़े शॉट खेलेंगे यहां पर। ओ ये लीजिए यहां पर फील्डर, अरे यार बहुत बढ़िया फील्डिंग की है, कैच नहीं लिया लेकिन 6 रन बचाए। ऐसा लगा कि विकेट जाने वाली है। 11 ओवर 101 पे 3, 11 ओवर के बाद 101 रन पे 3 विकेट। पीयूष चावला दो ओवर में 35 रन, महंगे साबित हुए आज। एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए रिक्वायर रन रेट 12 के ऊपर जा चुका है, बड़े शॉट चाहिए। शुभमन गिल, ओ हो ये देखिए गियर चेंज किया शुभमन गिल, 6 रन। प्रभुलाल निर्मा प्रतापगढ़ राजस्थान से देख रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभमन गिल की विकेट नहीं गिरी तो शुभमन गिल मैच जिता देगा गुजरात को, ऐसा लग रहा है मुझे। अब डेविड मिलर आउट हो गया और शुभमन गिल पहुंच गया, 50 रन पूरे कर दिए शुभमन गिल ने यहां पर। जी हां, 50 रन शुभमन गिल, 30 गेंदे, 4 चौके, 3 छक्के जड़े, एक बड़ी इनिंग खेल रहे आज। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर है, 52 गेंद में 109 रन, क्या बन पाएंगे। ओहो अच्छी गेंद यहां पे डाली है, 52 गेंद 109 रन की आवश्यकता।
हार्दिक पांड्या बड़े शॉट अगर नहीं खेलेंगे तो गुजरात की जीत नहीं होगी। अच्छा शॉट है, फील्डर है वहां पर, रोक ले इस गेंद को, दो रन की मांग होगी, दो रन पूरे भी करेंगे मेरे ख्याल से। दयाशंकर जी गुड नाइट आपको भी, और 450 के करीब लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग सभी लोगों का इस वीडियो तक आने के लिए। फटाफट वीडियो को लाइक करना, 100 लाइक के ऊपर तो लाइक आनी चाहिए। आज आप देख रहे क्रिकेट 22 का गेम प्ले, मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस, 217 रन का लक्ष्य यहां पर चेस करे गुजरात की टीम। कप्तान हार्दिक पांड्या यहां पर बल्लेबाजी कर रहे, 3 गेंदे 4 रन, पीयूष चावला इस ओवर की 5वीं गेंद डालेंगे। हार्दिक पांड्या कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर, लेकिन बीट हो गए। जी हाँ, कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर की यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने, लेकिन बीट हो गए यहाँ पर आखिरी गेंद इस ओवर की। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है इस ओवर में, और ये लीजिए यहाँ पर सिंगल मिलेगी ओवर की समाप्ति। 12 ओवर के बाद कितने हो गए, 111 पे 3, 2 रन निकाले 2 रन, 12 ओवर, 112 पे 3 गुजरात टाइटंस। जी हाँ, नए लोग जो भी देख रहे हैं दोस्तों, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वीडियो अच्छा लगे, मैं ये कभी नहीं बोलता कि सभी के सभी सब्सक्राइब कर दो। जो भी लोग देख रहे हैं, जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है फटाफट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ये देखिए अच्छी इनिंग आज खेलते हुए शुभमन गिल, कुछ बेहतरीन शॉट आज खेले, ये देखिए 30 गेंदे 50 रन 3 छक्के, तो कवर के ऊपर से खेले आज, 112 पे 3, 12 ओवर के बाद शुभमन गिल अगली गेंद का सामना करेंगे आकाश मणिवाल का, जो 2 विकेट निकाल चुके हैं बिल्कुल स्टंप के सामने, और ये लीजिए विकेट आकाश मणिवाल, एक और विकेट यहां पर निकालते हुए, यहां पर LBW आउट हो गए, और बहुत बड़ी विकेट मुंबई के लिए, शुभमन गिल वापस जाएंगे। जी हाँ, कोई चांस नहीं है, बिल्कुल स्टंप के सामने है, कोई मौका नहीं है। जी हाँ, जाना पड़ेगा वापस शुभमन गिल को, बनाए 50 रन 112 पे 4 गुजरात टाइटंस। राहुल तेवाटी अगले बल्लेबाज। जी हाँ, वो गेंद देखिए LBW करार दिया गया, बिल्कुल मिडल स्टंप पर, और सीधा स्टंप को हिट करती हुई गेंद, कोई चांस ही नहीं रिव्यू का भी, जानते थे पूरी तरीके से स्टंप के सामने मौजूद है, चर्चा भी की हार्दिक पांड्या के साथ, लेकिन रिव्यू नहीं लिया। राहुल तेवाटिया नए बल्लेबाज, अब 47 गेंदे 105 रन 4 विकेट तो गिर चुके। ओहो, ये गेंद अच्छी है, आकाश मणिवाल 3 विकेट निकाल चुके 27 रन देकर इस मैच में, 3 विकेट आकाश मणिवाल। रोहित शर्मा खुश होंगे क्योंकि मैच पर पकड़ काफी मजबूत की है, अभी 104 रन चाहिए, 46 गेंदे, 3री गेंद, हार्दिक पांड्या कप्तानी पारी यहां पर खेलने की कोशिश, गेंद जा रहे मिड विकेट पर, और रोक ले इस गेंद को, 2 रन मिलेंगे। एकमात्र उम्मीद बची है हार्दिक पांड्या, अगर ये बड़े शॉट खेलेंगे तो ही गुजरात की जीत यहां पर होगी। 45 गेंदों में 102 रन, बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये लीजिए शॉट अच्छा है हार्दिक पांड्या, गेंद जाएगी मिड ऑफ के ऊपर से, 4 रन मिलेंगे। जबरदस्त शॉट खेला है हार्दिक पांड्या ने। जी हाँ, कमाल का शॉट यहां पर खेलते हुए हार्दिक पांड्या, और अब देखिए यहां पर 44 गेंदों में 98 रनों की आवश्यकता है इस ओवर की 5वीं गेंद। एक और शॉट, गेंद जा रहे मिड विकेट पर, 1 रन यहां पर मिलेगी, और सिंगल के साथ स्ट्राइक पर राहुल तेवाटिया। राहुल तेवाटिया भी आक्रामक बल्लेबाज है, लेकिन ये कंडीशन अलग है, ये मैदान अलग है, ये गेंदबाज अलग है। आकाश मणिवाल 35 रन दिए और स्पेल अपना खत्म करेंगे। अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति, 13 ओवर 120 पे 4, 7 ओवर में चाहिए 97 रन, अब 7 ओवर 97 रन रिक्वायर्ड जीत के लिए यहां पर गुजरात टाइटंस। लक्ष्य बहुत बड़ा है, हार्दिक पांड्या अगर बड़े शॉट नहीं खेलेंगे तो जीतना मुश्किल है। ओहो, ये लीजिए पहली गेंद इस ओवर की, और 1 बाउंड चौका यहां पर,
जी हाँ, हार्दिक पांड्या ने बड़ा शॉट यहां पर खेला है, चौका मिल गया। ये देखिए लाजवाब शॉट यहां पर खेलते हुए हार्दिक पांड्या। इकतालीस गेंदे, 93 रनों की आवश्यकता अगली गेंद इस ओवर की। हार्दिक पांड्या 9 गेंदे, 17 रन बना चुके हैं अभी तक। एक और शॉट, ओ फील्डर के हाथ में गेंद गई इस बार, और फील्डिंग कहां पे लगाई है जरा वो देखेंगे। थर्ड मैन और फाइन लेग दोनों ही सर्कल के अंदर, स्क्वायर लेग पीछे, डीप कवर पीछे। तीसरी गेंद इस ओवर की, पीयूष चावला। ओ ये गेंद अंदर की तरफ आई, स्टंप के बिल्कुल नजदीक से गेंद गई है। 39 गेंदे, 93 रन बनाना इतना आसान काम नहीं यहां से। हार्दिक पांड्या बड़े शॉट खेलने की कोशिश जरूर करें, एक ही रन मिलेगी। जी हाँ, ये मैच तो मुंबई के कब्जे में लग रहे मुझे यहां से। 217 रन का विशाल लक्ष्य है और 38 गेंदों में 92 रन चाहिए, तो ये तो नहीं बनेंगे अब ऐसा लग रहा है। ओ क्लीन बोल्ड पीयूष चावला ने किया, राहुल तिवाटिया को क्लीन बोल्ड। लाजवाब गेंद, ये मौका नहीं, विद द स्पिन खेलने की कोशिश और चकमा दिया गुगली के साथ। राहुल तिवाटिया एक रन बना के आउट, 125/5 गुजरात टाइटंस। राशिद खान भाई ये आक्रामक बल्लेबाज है, लेकिन जरा वो विकेट देखेंगे आखिरी वाली, तो क्लीन बोल्ड कर दिया। सीम पर गेंद गिरी, अंदर की तरफ टर्न हुई और बिल्कुल स्टंप पे गेंद। 125/5 राशिद खान नए बल्लेबाज। ओ ये लीजिए शॉट खेला इसने, ये आक्रामक बल्लेबाजी करता है राशिद खान, एकमात्र उम्मीद है हार्दिक पांड्या और राशिद खान गुजरात टाइटंस की। 6 ओवर में कितने रन चाहिए अब। कैमरन ग्रीन 2 ओवर में केवल 9 रन दिए, काफी किफायती गेंदबाजी आज की है कैमरन ग्रीन ने। राशिद खान स्ट्राइक पर है अब। जी हाँ, 14 ओवर 126, 36 गेंदे, 90 रन चाहिए। 36 गेंदों में 90 रन क्या बनेंगे यहां से अब, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हर ओवर में 15 रन नहीं बनेंगे। 5 विकेट जरूर गिरे। हार्दिक पांड्या 12 गेंदे, 18 रन पे यहां पर बल्लेबाजी कर रहे। शॉट हवा में, गेंद और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में हार्दिक पांडे की विकेट है। जी हाँ, कोई रास्ता है नहीं बड़े शॉट खेलने के अलावा, और कैमरन ग्रीन को विकेट मिल गई। ये देखिए हार्दिक पांड्या कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए यहां पर, सीधा कवर के हाथ में कैच और जाएंगे वापस। हार्दिक पांड्या बनाए 18 रन, 127/6 गुजरात टाइटंस। वरुण एरॉन अब अगले बल्लेबाज यहां पर। जी हाँ, वरुण एरॉन यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन राशिद खान अभी भी मौजूद। 34 गेंदे, 90 रनों की आवश्यकता है। ओहो अच्छी बाउंसर यहां पे डाली है राशिद खान, क्या बड़े शॉट खेलेंगे यहां पर। उनका मनोरंजन हो सकता है अगर राशिद खान शॉट खेलेंगे तो। 33 गेंदे, 90 रन अगली गेंद इस ओवर की। 3 गेंदे, 2 रन पे बल्लेबाजी कर रहे। शॉट हवा में, गेंद और सीधा फील्डर के ऊपर से, 4 रन मिलेंगे राशिद खान को। जी हाँ, चौका यहां पर जरूर जड़ दिया है। ये देखिए अच्छा शॉट है, मिड ऑफ का फील्डर सर्कल के अंदर, इसी का फायदा यहां पर उठा लिया है राशिद खान ने। 14.4, 131 रन, 32 गेंदे, 86 रनों की आवश्यकता। और ये गेंद हवा में है, इस बार भी मिड ऑफ के ऊपर से, 1 बाउंस चौका, 2 चौके जड़ दिए राशिद खान ने एक ही ओवर में। इस बार भी कदमों का इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए शॉट, एक 135 रन पे 6 विकेट आखिरी गेंद इस ओवर की। 31 गेंदों में 82 रन। शॉट और ये करारा शॉट है, 6 रन मिलेंगे राशिद खान को। 15 ओवर 141/6 गुजरात टाइटंस। ये देखिए जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर,
और बातचीत कर रहे हैं रोहित शर्मा, कैमरन ग्रीन के साथ रणनीति बनानी पड़ेगी। राशिद खान है तो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर टीम डेविड। अरे स्पिनर को यहाँ पर गेंदबाजी दी गई है। टीम डेविड को यहाँ पर गेंदबाजी दी गई है। अब 15 ओवर, वरुण अराउंड स्ट्राइक पर है। 30 गेंदों में कितने रन चाहिए। शॉट सिंगल यहाँ पर मिलेगी। जेसन बैंड्रॉप, मड़ीवाल, जोफ्रा आर्चर, पीयूष चावला और कैमरन ग्रीन 5 गेंदबाज है तो फिर टीम डेविड को यहाँ पर गेंदबाजी के लिए क्यों लाया गया है। दूसरी गेंद और राशिद खान बल्ला जरूर घुमा रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है राशिद खान है इसीलिए स्पिनर को गेंदबाजी दी गई है कि रोहित शर्मा भी जानते हैं आक्रामक बल्लेबाज है राशिद खान। 28 गेंदे 75 रन चाहिए और ये वाइड का इशारा देंगे। ऑफ स्टंप के बहुत भारी गेंद और क्या राशिद खान यहाँ पर टीम डेविड को बड़े शॉट खेलेगा। पिछले ओवर में जरूर अच्छी बल्लेबाजी की, 16 रन आए। 28 गेंदे 74 रन चाहिए। ओ ये लीजिए राशिद खान 6 रन। तभी दिलास अहमद मैच तो कल है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आप देख रहे क्रिकेट 22 का गेम प्ले। ये रियल मैच नहीं है, ये क्रिकेट का गेम है। कल शाम 7:30 बजे मैच है। यहाँ पर राशिद खान ने छक्का जड़ दिया, 123 मीटर का छक्का राशिद खान है तो उम्मीद है गुजरात की। और ये लीजिए, अरे बाप रे बाप, एक और बड़ा शॉट 6 रन। राशिद खान क्या जीत दिलाएंगे यहाँ पर। अब 27 गेंदे 68 रनों की आवश्यकता है। 2 छक्के टीम डेविड की ओवर में जड़ दिया राशिद खान ने। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल किया है, फियरलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं, जानते कोई रास्ता है नहीं अब बड़े शॉट खेलने के अलावा। और कितने रन चाहिए यहाँ पर। 26 गेंदे 62 रनों की आवश्यकता और क्लीन बोल्ड, राशिद खान आउट। जी हाँ, एक बड़ी सफलता लग गई मुंबई के हाथ में। टीम डेविड को विकेट मिलती हुई, बल्ले का अंदरूनी किनारा और राशिद खान जाएंगे वापस 28 रन बना के 155 पे 7 गुजरात टाइटंस। अल्जारी जोसेफ यहां पर एक बड़ी विकेट हाथ में लगी है। राशिद खान जो बड़े शॉट खेल रहे थे और चकमा दिया टीम डेविड, बल्ले का अंदरूनी किनारा और सीधा स्टंप में गेंद। 155 पे 7 है आखिरी गेंद इस ओवर की। अब उम्मीद है पर पानी फिरा है। जोसेफ शॉट खेला है ऑन साइड पर, 1 रन मिलेगी। एक सौ छप्पन पे 7 16 ओवर के बाद अल्जारी जोसेफ। राशिद खान इस शॉट जरूर अच्छे खेले थे लेकिन पेवेलियन वापस लौट गए। 4 ओवर में 61 रन नहीं बनेंगे। अब कैमरन ग्रीन 17 ओवर लेकर आ चुके हैं और देखिए यही हम बात करेंगे टीम डेविड को गेंदबाजी क्यों दी गई। तो टीम डेविड ने विकेट निकाली कि तेज गेंदबाज को बहुत बढ़िया तरीके से खेलते राशिद खान। तो राशिद खान की विकेट मिल गई, हवा में गेंद, एक और विकेट यहां पर, ये लीजिए जोसेफ जाएंगे वापस। कैमरन ग्रीन को यहां पर विकेट मिलती है और मुंबई अब ये मैच जीतने वाली है। जी हाँ, मुंबई की टीम ये मैच जीतने वाले। 400 के ऊपर लोग देख रहे दोस्तों लाइव स्ट्रीम को। जोसेफ ने बनाया 1 रन 156 पे 8 गुजरात टाइटंस। फटाफट वीडियो को लाइक करना, आज का टारगेट है 100 लाइक्स। और नए लोग जो भी आ रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करते रहिए। 22 गेंदे 61 रन चाहिए। कैमरन ग्रीन यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे, केवल 2 विकेट हाथ में बची है गुजरात टाइटंस के। 22 गेंदों में 61 रन नहीं बनेंगे लेकिन क्या वो 2 विकेट निकाल पाएंगे यहाँ पर मोहम्मद शामी बल्लेबाजी करने के लिए। सिंगल यहाँ पर मिलेगी।
मोहम्मद शामी। चलिए अगली गेंद यहाँ पर सामने वरुण एरॉन, दोनों ही अब गेंदबाजी बचे 16.4 ओवर। कैमरून ग्रीन अगली ओवर अगली गेंद डालते हुए यहाँ पर सिंगल मिलेगी। 20 गेंदों में 59 रन नहीं बनेंगे। अगर राशिद खान यहाँ पर होता तो शायद एक चांस था गुजरात के लिए, क्योंकि वो तो बड़े शॉट खेलते। वरुण एरॉन एंड मोहम्मद शामी से इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते। 19 गेंदे 58 रन, 217 रन का विशाल लक्ष्य। एक और अच्छा शॉट है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग पर, खिलाड़ी वहां पर है, 2 रन मिलेंगे। सत्रह ओवर 161 पे 8, आखिर के 3 ओवर बचे, लास्ट 3 ओवर। और टीम डेविड एक बार फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर में 15 रन इंपॉर्टेंट विकेट निकाला है राशिद खान का। और मैदान देखिए, बड़ा मैदान, 70 मीटर की बाउंड्री, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ यहाँ पर गुजरात बनाम मुंबई की मैच। दूसरी गेंद मोहम्मद शामी और शॉट जरूर खेला है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग पर, 2 रन की मांग होगी। जी हाँ, यहाँ पर मुंबई की जीत होने वाली है। अब 17.2 ओवर 164 पे 8, तीसरी गेंद मोहम्मद शामी, 3 गेंदे 5 रन पे बल्लेबाजी कर रहे। ओ हो, यहाँ पर एक और विकेट जाने वाले ऐसा लग रहा है। अब विकेट अलर्ट है इस ओवर में, ऐसा लग रहा है इस ओवर में शायद विकेट अलर्ट हो सकता है। 15 गेंदे 53 रन, ये तो हम नहीं देखेंगे। और ये लीजिए, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश मोहम्मद शामी की, चौदह गेंदे 53 रन, मोहम्मद शामी क्या छक्का यहाँ पर जड़ेंगे, लोगों का मनोरंजन हो जाएगा अगर मोहम्मद शामी ने यहाँ पे बड़ा शॉट खेला। वाइड का निर्णय होगा यहाँ पर, ऑप्शन की बहुत भारी गेंद, बिल्कुल सही डिसीजन देते हुए अंपायर वाइड का निर्णय। पांचवी गेंद इस ओवर की, और ये सीधा शॉट मोहम्मद शामी, और चले चौका यहाँ पर नहीं मिलेगा, 2 ही रन मिलेंगे और मैच पूरी तरीके से मुंबई का हो चुका है। जी हाँ, पूरी तरीके से मैच जो है मुंबई के कब्जे में लग रहा है। अब आखिरी गेंद इस ओवर की, अक्षय यादव सर आज का मैच लाइव है ना? जी हाँ बिल्कुल लाइव देख रहे हैं अक्षय यादव जी आप, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ जो लोग कमेंट कर रहे हैं। जो लाल कलर होता है ना चैनल का, वो प्रोफाइल का फोटो, उसके ऊपर लाल सर्कल आता है और लाइव का निशान आता है नीचे लिखा हुआ, तो समझने का लाइव है। और जब स्ट्रीम ख़त्म होती है तो उसके नीचे आता है स्ट्रीम्ड 2 आवर्स आएगो या फिर 1 डे आएगो, 3 डे आएगो, तो वो लाइव नहीं होता। अभी आप देख रहे हैं लाइव। 18 ओवर के बाद 167 पे 8, जोफ्रा आर्चर अगली गेंद डालेंगे वरुण एरॉन को। ओ हो, ये तो ऑफ स्टंप के बाहर बाउंसर है। ओ ये लीजिए बल्ले का बाहरी किनारा, 4 रन मिलेंगे वरुण एरॉन को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं मुंबई को, मुंबई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैच पूरी तरीके से मुंबई के कब्जे में है अब, और फाइनल का टिकट मिलेगा ऐसा लग रहा है मुंबई के लिए। लेकिन दोस्तों ये क्रिकेट का गेम है, कल कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि शायद मुंबई जीतेगी, गुजरात भी जीत सकती है, क्योंकि गुजरात की टीम भी बहुत टफ है, तो हम कुछ नहीं कह सकते कल कौन जीतेगा यहाँ पर, ये तो बस क्रिकेट का गेम है। यहाँ पर क्या कोई भी जीत सकता है? अगली गेंद इस ओवर की, 9 गेंदे 46 रनों की आवश्यकता है, चौथी गेंद इस ओवर की। ओहो, एक और बढ़िया गेंद जोफ्रा आर्चर। जी हाँ, कल ऐसा लग रहा है मुझे 50-50 है, मुंबई भी जीत सकती है, गुजरात भी जीत सकती है। 5वीं गेंद और एक और अच्छी गेंद, लेकिन मुंबई अगर जीत गई तो फाइनल, तो फाइनल होगी मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। सबसे ज़्यादा फैंस इन्हीं दोनों टीम के अभी,
टॉप के फैन है चेन्नई सुपर किंग्स, सबसे ज़्यादा फैन, और दो नंबर पे जो फैन है मुंबई इंडियंस। आखिरी गेंद इस ओवर की, बाउंसर, ओवर की समाप्ति, 19 ओवर 172 पे आठ, आखिरी ओवर अब। जेसन बेलड्रॉप आखिरी ओवर लेकर आ चुके, दो ओवर में 10 रन 1 विकेट, दूसरे स्पेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तीसरी ओवर डाल रहे वरुण एरॉन स्ट्राइक पर है 172 पे। अब ये देखना नहीं है कि कितने रन चाहिए, क्या विकेट मिलेगी यहाँ पर जेसन बेलड्रॉप को। एक सौ 173 रन पे 8 विकेट, 19.1 और 5 गेंदे 44 रन नहीं बनेंगे अब ये जो मैच है पूरी तरीके से, और मुंबई का हो चुका है पूरी तरीके से ये जो मैच है मुंबई के पाले में, कमाल की मैच रही। लेकिन कल का मैच कौन जीतेगा, मुंबई बनाम गुजरात, शाम 7:30 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लाइव है जियो सिनेमा पर। तीसरी गेंद इस ओवर की, वरुण एरॉन 10 गेंदे 10 रन, और यहाँ पे कल मैच कौन जीतेगा ये आज हम नहीं बता सकते, दोनों ही टीम टफ है, गुजरात भी जीत सकती है और मुंबई भी जीत सकती है। प्रेडिक्शन करना इतना आसान काम नहीं कल की मैच का, होम ग्राउंड में खेलेगी गुजरात की टीम, और ये अच्छा शॉट है, एक रन तो यहाँ पर मिलेगी लेकिन कोई फायदा नहीं है ये मैच यहाँ पर, इस गेम में तो मुंबई जीतने वाली है। उन्नीस 19.4 पांचवी गेंद, दो गेंदे 41 रन, अब ये इम्पॉसिबल। वरुण एरॉन, ओहो यॉर्कर गेंद यहाँ पे डाल रहे बेलड्रॉप, और इनिंग की समाप्ति यहाँ पर होने वाली है, आखिरी गेंद बची है। जो भी लोग देख रहे हैं लास्ट टाइम को बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का इस वीडियो तक आने के लिए, फटाफट वीडियो को लाइक करना, नए लोग वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आखिरी गेंद इस ओवर की, कल शायद लाइव स्ट्रीम करने को टाइम नहीं मिलेगा, मैच देखने का टाइम होता है 7:30 बजे से लेके 11 बजे तक, और ये हवा में गेंद, चौका या आउट या एक रन दो रन मिलेंगे, और इनिंग की समाप्ति, मुंबई ने मैच जीत लिया है लगभग 37 रनों के साथ। जी हाँ 37 रनों से मुंबई ने इस मैच को जीत लिया है, कमाल का ये मैच, कमाल का ये गेम प्ले, 217 रन का लक्ष्य था। ये कुछ हाईलाइट ज़रूर है आज के इस मैच की, लेकिन हम चलेंगे सीधा स्कोर कार्ड की तरफ, और ये LBW शुभमन गिल के विकेट गिरी और मैच पूरी तरीके से पलट गई यहाँ से, राशिद खान ने भी कोशिश ज़रूर की थी लेकिन क्लीन बोल्ड कर दिया राशिद खान को भी। राशिद खान की शॉट देखे, उसके बाद क्लीन बॉल, चले स्कोर कार्ड की तरफ, और मुंबई ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय, टीम डेविड 65 रन बनाए नॉट आउट, उसके बाद रोहित शर्मा 53 रन 27 रन, निहाल वाडेरा ने और सूर्य कुमार यादव ने 26 रन और 216 रन बने थे। और विकेटों की बात करें गुजरात की तो वरुण एरॉन ने 2 विकेट, 1 विकेट लोकी फर्ग्यूसन, 1 विकेट जोसेफ और राशिद खान ने 1 विकेट निकाला, 217 रन का लक्ष्य यहाँ पर चेस कर रही थी गुजरात की टीम। शुभमन गिल 50 रन, डेविड मिलर 33, राशिद खान ने 28 रन और 18 रन हार्दिक पांड्या ने बनाए। एक विकेटों की बात करें यहाँ पर तो आकाश मणिवाल 3 विकेट, 2 विकेट कैमरन ग्रीन, 1-1 विकेट बेलड्रॉप और टीम डेविड के नाम, और मुंबई की टीम 37 रन के साथ इस मैच को जीत चुके, मैन ऑफ द मैच रहे टीम डेविड जिन्होंने 65 रन की नॉट आउट पारी के लिए आज। तो जो भी लोग इस लास्ट टीम को देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का इस वीडियो तक आने के लिए, वीडियो को लाइक करना, नए लोग जो भी आ रहे हैं आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये थी आज की लास्ट स्ट्रीम, आज का एक क्रिकेट का गेम प्ले, मिलेंगे अगले मैच में अगले स्ट्रीम में, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद एंड वंदे मातरम।